Gurudeva, 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 tu mila to mujhe mil gayi manzile chand taro ko chune ke hai hausle तू मिला तो मुझे मिल गई मंजिले चांद तारों को छूने के हैं हौसले ढूंढ लेता है तू जो मैं खो दूं तुझे तू है मंजिल मेरी फिर है क्या फासले ढूंढ लेता है तू जो मैं खो दूं तुझे तू है मंजिल मेरी सारी खामोशियां हो गई है बया मेरी हर सांस में तू हमेशा गुरुदेवा Guru Charan Sada Sharanam Mama Sadguru 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 Charan Guru Charan Sada Sharanam Mama Sadguru Charan Sada Sharanam Sahajatma Swaroop Param Guru Sahajatma Swaroop Param Guru Param Guru Nirgrant Sarvagna De Param Guru Nirgrant Sarvagna De Param Guru Nirgrant Sarvagna De
भक्त के जीवन को दो खंडों में विभाजित किया जा सकता है। भक्त के जीवन को दो खंडों में विभाजित किया जा सकता है। पहला खंड जिसमें भक्त के हृदय में वियोग, विरह, इन सब का दुख है, इन सब की तपिश है, दूर रहता है अपने गुरु से, दूर रहता है अपने भगवान से, दुखी है। विरह की वेदना को जितना आप लोगों ने अनुभव किया होगा, मुझे लगता बताने की भी जरूरत नहीं है मुझे। तो एक तो जीवन का ये खंड होता है कि जहां हृदय में विरह की वेदना हो, महसूस किया कब समागम की रुत आएगी, कब मिलेंगे। समागम की रुत आने के बाद भी जब वो भक्ति दोबारा सुनते हैं तो वापस आंखों में से आंसू निकल जाते होंगे। तो एक तो जीवन में ये आवश्यक कंपल्सरी स्टेटस होना ही होना है कि विरह की वेदना लगे। और दूसरा खंड होता है मिलन की रुत, मिलन की खुशी, मिलन का उत्सव, मिलन का उन्माद, मिलन का उत्साह, मिलन की उमंग। तो ये दोनों खंड जहां इकट्ठे हो जाते हैं, यानी गुरु से नहीं मिलने का वियोग और विरह भी है, और गुरु से मिलने का उत्साह और उन्माद भी है, ये दोनों खंड जहां इकट्ठे होते हैं, वहीं भक्त का जीवन अखंड अनुभव के लिए तैयार होता है। दोनों चाहिए। मुझे कहना चाहिए कि नहीं पता नहीं, लेकिन कई बार लगता है कि बहुत अच्छा हुआ कि तुम लोग इस विरह की वेदना में से पसार हो गए, बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि जब तक तुमने विरह को ही नहीं जाना तब तक तुम मिलन का उत्सव भी क्या बनाओगे। जिसने विरह का दुख जिया है ना, उसे मिलने का सुख क्या होता है ये पता है, लेकिन जिसने कभी विरह ही नहीं जाना उसको मिलना क्या, वो तो बस एक पब्लिक मीटिंग जैसा हो जाएगा। ये मिलन है, इट इज नॉट मीटिंग, इट इज मिलन। मिलन का अर्थ होता है कि बस जहां दो नयन मिले, जहां तुम उस समागम में आए कि तुम्हारा हृदय वियोग के कारण, विरह के कारण इतना खाली हो गया था कि समागम में आता ही सब कुछ भरना शुरू कर देता है, भर लिया, पूरा भर लिया। और पिछले 3 दिनों से मैं ये घटना होते देख रही हूँ, जो जितना खाली था वो उतना ही भरा है, जो जितना भरा हुआ था वियोग से वो उतना ही मिलन की खुशी से अब और ऊपर के और अगले स्तर पर अपने आप को अनुभव कर पा रहा है। द जर्नी इज रियली अमेजिंग। और इस बार तो हमने पूरा पूरा समय एक ही बात करी है और करनी भी है कि तुम अपनी भक्ति को बढ़ाओ, पहुंचना है उस प्रेम के अनुभव तक। प्रेम एक अनुभव है, उस प्रेम के अनुभव तक पहुंचना है, उसके लिए बस भक्ति को बढ़ाओ, भक्ति को बढ़ाओ, भक्ति को बढ़ाओ। और मिशन के जो 4 आधार आ गए हैं उसमें पहला ही आधार है प्रेम। ये कोई शब्द नहीं है, प्रेम एक बहुत गहरा एहसास है, प्रेम एक बहुत आध्यात्मिक अनुभव है। समष्टि को एक देख लेना, एक मान लेना, इस मान्यता को अपने भीतर ठूसना, मैं तो कह रही हूं अपने भीतर डालते जाना, ये है प्रेम की घटना। तो प्रेम एक ऐसी मिशन का एक ऐसा आधार है जो तुम्हारी मान्यता को बदलने के लिए है। उस मान्यता को बदलने के लिए सेवा और संयम और साधना, ये तीनों मदद करेंगे। प्रेम यानी अपनी मान्यता को बदलना, लेकिन इस मान्यता को बदलने के लिए मदद कौन कर रहा है? सेवा,
संयम और साधना. जब सेवा, संयम और साधना के इस वाइटल कॉम्बिनेशन से, इस इतने महत्वपूर्ण कॉम्बिनेशन से तुम्हारा दृष्टिकोण पलट जाएगा, दृष्टिकोण, तुम्हारा परसेप्शन बदल जाएगा, तुम्हारा टोटली देखने का नजरिया बदल जाएगा, उस दिन तुम वास्तव में प्रेम का पहला पहला एहसास कर पाओगे. और इन सब को जोड़ेगी कौन? भक्ति. प्रेम, सेवा, संयम और साधना, इन चारों में गम की तरह, फेविकोल की तरह, ग्लू की तरह, इन सबका मिलन कौन कराएगा? तो कहते हैं भक्ति. और इसलिए मैं चाहती हूँ SRM में कि अब तुम्हारी भक्ति बढ़े. शब्द तो हमने बहुत सुन लिए, डायरीज तो हमने बहुत भर ली, अब मैं क्या चाहती हूँ? भक्ति बढ़े. और भक्ति यानी शब्दों का संचय नहीं, भक्ति यानी वो कनेक्शन, अ डीपर एंड डीपर एंड डीपर एंड डीपर लेवल ऑफ कनेक्शन, कि जहां तुम्हें लगे कि समष्टि एक ही है. हो सकता है ये यात्रा वाया गुरु होती हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, वाया गुरु आते हो मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन प्रेम की अनुभूति गुरु के माध्यम से जब निकलती है तो वो समष्टि के लिए वही दृष्टिकोण उजागर करती है. तो तीन काम करने हैं. पहला, मान्यता को बदलना है. पॉसिबल है? तुम कहोगे पॉसिबल क्या प्रभु, हो गया, पिछले 11-11 वर्षों से मान्यता ही तो बदल रहे हैं. हमने तो सोचा था धर्म कैसा होगा, धर्म में कितना कुछ छोड़ना पड़ेगा, कितना कुछ नीरस जीवन बिताना पड़ेगा, कितनी यातनाएं सहनी पड़ेगी, कितनी कितनी किसी की गुलामियां सहनी पड़ेगी. हमें क्या पता, धर्म तो आनंद था, धर्म तो उत्सव था, धर्म तो स्वतंत्रता था, और धर्म तो जीवन का परम परम उत्सव था. हमें क्या पता. लेकिन पता चला इतने वर्षों में. तो प्रेम यानी मान्यता को बदलना है. सबसे पहले मान्यता बदलने के बाद आचरण को संवारना है. और आचरण संवरेगा कैसे? सेवा, संयम, साधना. जब इन तीनों की मिलीभगत होगी, मिलीभगत यानी तीनों की जुगलबंदी हो जाएगी, तीनों इकट्ठे हो जाएंगे, अब जो तुम्हारा दृष्टिकोण पलटेगा, द परसेप्शन दैट चेंजेस नाउ, दैट इज द एक्चुअल एक्सपीरियंस ऑफ लव. वो प्रेम है. और उस अनुभव तक मुझे तुम्हें पहुंचाना है, उसके लिए सबको जोड़ने वाला, क्लब करने वाला फैक्टर है भक्ति. चेंज योर बिलीफ, देन चेंज योर एक्शंस, एंड देन चेंज योर परसेप्शन. जब ये तीनों होते हैं, बिलीफ यानी मान्यता बदली, एक्शन यानी आचरण बदले, परसेप्शन यानी दृष्टिकोण बदल गया, जब ये तीनों बदल जाते हैं, अब जीवन तुम्हारा एक भक्त का जीवन होता है. ये चाहिए मुझे. और हो रहा है, तुम आनंद में हो, आसान नहीं है ये मैं भी जानती हूं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है. इजी नहीं है बट इम्पॉसिबल भी नहीं है. संसार से सुख पा लेने की जो इच्छा है वो तो इम्पॉसिबल है, इजंट इट? वो फुलफिलमेंट तो मोक्ष मार्ग पर, ऑन द पाथ ऑफ लिबरेशन, इम्पॉसिबल नहीं है बट डिफिकल्ट है. अब यदि तुम समझदार हो, यदि तुम समझदार हो तो मुझे ये बताओ कि डिफिकल्ट के पीछे भागना आसान समझदारी है या इम्पॉसिबल के पीछे? डिफिकल्ट के पीछे भागना समझदारी है या इम्पॉसिबल के पीछे? कठिन के पीछे या नामुमकिन के पीछे? कठिन के पीछे भागना, भाई तुम बोलोगे तो मुझे पता चलेगा कि तुम्हें समझ भी आ रही है मेरी बात के नहीं. कठिन के पीछे भागना समझदारी है, लेकिन मनुष्य चुनाव समझदारी का नहीं करता, मनुष्य चुनाव आसान का करता है.
isn't it? Whenever there is a choice, we don't want to choose between what is right and wrong. We want to choose between what is easy and difficult. लेकिन जब हम एक सदगुरु के साथ होते हैं, कभी कभी हमारी यात्रा टफ भी बनाते हैं. पिछले दो दिन की हमारी यात्रा तुम्हें पता ही है कैसे टफ थी, बट इट वॉज वर्थ टेकिंग ऑल दोज टफ, इजंट इट वर्थ. और चाहे मैं फ्राइडे फैमिली सत्संग में कितना भी तुम्हें बताऊं, कितना भी तुम्हें बताऊं कि ऐसा लैंड है, ऐसी जगह है, ऐसा वातावरण है, ऐसा दर्शन है, ऐसा व्यू है, कितना भी बताऊं, कितनी ही बार बताया है पिछले कितने दिनों के फ्राइडे सत्संग में मैं बताती जा रही हूं, लेकिन जो एक दो घड़ी गए तुम, पूरी दो घड़ी मैं तो गिन ही रही थी, तुमने दो घड़ी ही बिताई वहां, दो घड़ी जाकर तुमने जो देख लिया, अब वो तुम्हारे दृष्टिकोण को बदल दिया कि नहीं? दर्शन होते ही दृष्टिकोण पलटता है. सत्संग मान्यता बदलते हैं कि सब कुछ एक ही है, देयर इज ओनली वननेस, और कुछ है ही नहीं, नो ड्यूअलिटी. द्वैत एग्जिस्ट ही नहीं करता, एग्जिस्ट करता है उतना तुम्हारा अहंकार का पर्दा है. लेकिन अब बात तो समझ में आ गई, करें कैसे? करने के लिए सेवा, संयम, साधना, इन तीनों की जुगलबंदी चलती है, इन तीनों की मैत्री चलती है. और जब ये तीनों एक लेवल पर पहुंच जाते हैं, गोल गोल घूमते घूमते, जैसे हम एक लेवल पर कल पहुंच ही गए, घूमते घूमते बारिश कहे मेरा काम, इंद्रदेव कहे कि मैं तो इतना प्रसन्न हूँ, और कहते हैं कोई भी बड़ा कार्य होने वाला हो तो इंद्रदेव का सिंहासन डोलता है. तो कल तो मुझे लगा वो डोल ही रहे थे पूरा शेकी, और मुझे लगता है कल इंद्रदेव को ऐसा ही लगा होगा कि अब वो इंद्रदेव का सिंहासन डोल रहा है, उसकी जगह वो आकर हमारे साथ ही थोड़ी देर डोल ले. तो कल तो पूरा टाइम मैं देख रही थी व्हाट अ ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर, व्हाट अ ब्यूटीफुल एनर्जी लेवल, और व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टेट ऑफ सीकर्स. तुम सबकी दशा क्या थी कल? अद्भुत. कोई डर नहीं, कोई दिक्कत नहीं, भीग रहे हैं, बिल्कुल भीगे खड़े थे कल तो तुम. जो तुम गाते हो ना, आपकी प्रेम की बारिश में भीगी खड़ी है जिंदगी, कल तो मैंने देखा कि किस हद तक तुम प्रेम करते हो, किस हद तक तुम्हारी निष्ठा है, कि इंद्रदेव अपना कार्य कर रहे हैं लेकिन तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारा मन, तुम्हारी कोई भी इच्छा चलित नहीं हो रही है. कहाँ से आया इतना प्यार? यही भक्ति है. आता तो है तभी तुम में जब कोई सदगुरु इसे रेडिएट करे, क्योंकि तुम तुम्हारे लेवल पर एक एक कदम ही आगे बढ़ पाओगे. लेकिन जब सदगुरु की रेडिएशंस में तुम आ जाते हो तो मल्टीपल फ्लोर्स एक साथ चढ़ जाते हो. तुम्हारी औकात केवल इतनी है कि तुम एक एक स्टेप चढ़ो, लेकिन लिफ्ट की औकात कितनी है? तो SRM को फिर से एक पूरा यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज SRM. अब तो मैं इसे कहती हूँ सेल्फ रियलाइजेशन मूवमेंट है. इस मूवमेंट के अंदर सबसे पहले चाहिए मान्यता का परिवर्तन. मान्यता के परिवर्तन के बाद आचरण में परिवर्तन थ्रू द मीन्स ऑफ सेवा, संयम, साधना. और ये परिवर्तन होने के बाद अल्टीमेटली द गोल, तुम्हें पहुंचना कहाँ है, तुम्हारा एम, तुम्हारा पर्पस, तुम्हारा उद्देश्य क्या होता है, कि तुम्हारा दृष्टिकोण पलट जाए. सो द बिलीफ चेंजेस, देन एक्शन चेंजेस, एंड देन परसेप्शन चेंजेस. और इन तीनों को इकट्ठा करने वाली क्या है? भक्ति. कभी तुम्हारे एक्शंस में कमी होगी ना तो वो भक्ति उसकी भरपाई कर लेगी. कभी तुम्हारे बिलीफ सिस्टम में भूल आ रही होगी ना, पर भक्ति स्ट्रांग होगी
तो तुम्हारे बिलीफ सिस्टम को भी स्टेबलाइज कर देगी। कभी तुम्हारी साधना के अंदर प्रमाद आ रहा होगा तो भक्ति स्ट्रांग होगी तो साधना के प्रमाद को भी कवर कर लेगी। लेकिन चाहिए क्या, तो मैंने कहा भक्ति, जो तुम्हारे दृष्टिकोण को पलटने वाली है। और यही चाहिए, isn't it? दृष्टिकोण का पलटना कैसा होता है? जो कल तुम्हारी पलटी, सुना तो इतने दिनों से था लैंड ऐसी है ऐसी है, लेकिन कल अब तुम्हारा दृष्टिकोण बदल गया। इतनी बार मुझसे सुना था तो मान्यता बदली थी कि लैंड ऐसा होगा, isn't it? आप लोग अमेरिका भी बैठे बैठे सोच रहे होंगे कि प्रभु ने कहा मतलब लैंड ऐसा होगा, मान्यता बदल रही थी। लेकिन कल क्या हुआ, कल तुम्हारा दृष्टिकोण बदल गया। एक आदमी था, उसको साधना करने का भूत चढ़ा था। अच्छा भूत था, क्योंकि वासना का भूत नहीं था, साधना का भूत चढ़ा था। घर गृहस्थी को छोड़कर जंगल में चला गया। कोई गुरु थे नहीं, गुरु तत्व से कोई साधना ली नहीं थी, लेकिन कहीं तुम्हारी तरह किताबें पढ़ पढ़कर होशियार हो गया था। इसलिए उसे पता था कि सबका सार एक ओम ही है। तो वह जंगल में गया और सुबह दोपहर शाम रात्रि हर समय बस ओम का जाप ही करता रहता। ओम 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 ओम, कभी नाक बंद करके ओम करता था, तो कभी खड़ा होकर ओम करता था, कभी मुंह को गोल करके ओम करता था, तो कभी जीभ को ऊपर तालू से लगाकर ओम करता था, कभी एक पैर पर खड़ा होकर ओम बोलता था, तो कभी नाश्ता नाश्ता ओम बोलता था। बस ओम 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 ओम, मस्त होगा। अच्छा आदमी था, साधक था, भूख लगती थी तो आंखें खोलता, इधर उधर गांव में चला जाता, जो कुछ खाना मिलता ले आता और यहाँ आकर खाना खाता। दिन बीते, हफ्ते बीते, महीनों बीत गए, लेकिन पाँच पाँच छः छः महीने के बाद भी कोई आंतरिक संवेदन नहीं प्रकट हो रहा था। ही वॉज नॉट हैप्पी। वो जो भी कर रहा है उसमें उसको लग रहा है कि आई एम स्टक समवेयर, कहीं मैं रुक गया हूँ, आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। सोच रहा था, विचार कर रहा था गहरा, कि मैं जो तृप्ति की बात करते हैं संत, कि अपने में ही एबंडेंस की फीलिंग करना, मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ, होगा प्रामाणिक कहीं ना कहीं। और तभी सोचते 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 उसने अचानक आंख खोल के देखा तो सामने उसे एक हिरण दिखा। हिरण ऐसा था कि उसके आगे के दो पैर नहीं थे और पीछे के दो पैर थे, लेकिन वो हिरण बड़ा ही तगड़ा था, बड़ा ही तगड़ा। ये दृश्य देखकर उसको आश्चर्य हुआ कि इतना बड़ा जंगल, हिरण यदि टूटे पैर के साथ यहाँ पर है तो वो जिंदा कैसे है? कोई भी शेर आके उसे तुरंत ही खा जाएगा, मार डालेगा, खा जाएगा। हाउ दिस डियर इज सो हेल्दी, इसके सेहत का राज क्या है? उसको ऐसा लगा। उसने पीछा किया, वो हिरण बहुत धीरे 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 चलता था, दो पैर भी थे लेकिन धीरे धीरे करके बस उसके थोड़ी ही दूर जाकर बैठा था। ये साधक दूर जाकर कहीं खड़ा हो गया और दूर से देखने लगा, हाउ कम ही इज सो हेल्दी, इतना बड़ा जंगल है, कोई इसे क्यों नहीं खा रहा, क्यों नहीं मार रहा? और देखते ही एक दिन, यानी एक दो घंटे के बाद, एक दो दिनों के बाद, उसने देखा कि एक तगड़ा सा शेर आया। उस शेर ने अपनी गर्जना करी और जंगल के जो दूसरे छोटे मोटे जानवर थे सारे इधर उधर भाग गए, लेकिन हिरण तो वहीं बैठा है। साधक ने सोचा ये हिरण को अब तो शेर पक्का ही खाएगा, और हिरण वहीं बैठा है, शेर के मुंह के अंदर मांस का बड़ा सा टुकड़ा है। वो आता है धीरे धीरे हिरण के पास, उस मांस के टुकड़े को छोड़ता है और चला जाता है। ये दृश्य देखकर साधक तो आश्चर्यचकित हो गया कि अरे, इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर, इस सृष्टि के अंदर जो लाचार है उसकी राजा स्वयं सेवा करता है, सुरक्षा करता है। जंगल का राजा है तो राजा स्वयं सुरक्षा करता है। आज उस हिरण के दो पैर टूटे हुए हैं तो शेर उसको खा नहीं रहा, शेर उसको भोजन डालने आ रहा है। वाह! और मैं कैसा भिखमंगा हूँ,
मैं गांव-गांव जाता हूं भोजन मांगने के लिए, वाई शुड आई गो? अगर मुझे साधना करनी है तो यही बैठा रहता हूं, ओम 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 के अंदर भोजन का भी खंड क्यों, भोजन के लिए भी मैं क्यों जाऊं गांव के अंदर? वाओ, ही गॉट द मैसेज ऑफ हिज लाइफ, ही वॉज अगेन सो हैप्पी, स्टार्टेड ओम 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 ओम, शुरू हो गया, एक दिन ओम बिना खाए, दूसरे दिन ओम बिना खाए, तीसरे दिन ओम बिना खाए, अब चौथे दिन तो कोई आया नहीं कुछ देने, अब सोचने लगा ये कि अरे उस हिरण को तो शेर खाना देने आया था, लेकिन मैं ओम ओम कर रहा हूं मुझे तो कोई खाना देने नहीं आ रहा, बैठा हुआ है सोच रहा है, फिर भी सोचा कि नहीं ईश्वर परीक्षा लेते हैं, चौथा दिन पांचवा दिन छठा दिन, अब तो ओम में से आ भी चला गया ऊ भी चला गया, खाली म रह गया, म म म म कर रहा है लेकिन कुछ नहीं हो रहा, ही इज फीलिंग वीक, वहीं के वहीं, अभी तक तो बैठा बैठा साधना कर रहा था, अब लेट गया क्योंकि अब पेट किसका सुनता है, खाना नहीं भोजन नहीं, बस बेचारा धीरे धीरे शिथिल हो रहा था, 10 दिनों के बाद तो कहते हैं मां ध्वनि भी गबा कर रहा है कि कोई मुझे खाना मिल जाए कहीं से, आई एम रियली डाइंग। तभी वहां से कोई समझदार इंसान निकला और इसकी आ आ की आवाज सुनी, सुनकर इसके पास आए और बोले क्या हुआ, तुम इतने बीमार से क्यों दिख रहे हो? साधक बोला नहीं नहीं मैं साधना करने आया था यहाँ, मैं बीमार नहीं हूं। कहते ठीक है लेकिन अभी तुम इतने शिथिल इतने कमजोर कैसे हो गए? तो उस व्यक्ति ने बैठकर उस समझदार महात्मा से बोला कि ऐसा है कि मैं साधना करने आया था और मैंने रोज जाता था जंगल से बाहर, गांव से खाना लेकर भी आता था, एक दिन मैंने ऐसी घटना देखी कि एक हिरण के पैर टूटे हुए हैं और उसको खाना एक शेर दे के जा रहा है, उस दिन से मैंने सोच लिया कि एक हिरण को भी शेर खाना दे जा सकता है तो मैं क्यों जाऊं गांव में खाना लेने के लिए, और उस दिन से मैं भूखा बैठ गया और भूखा बैठ के मैं तो ओम की साधना कर रहा था, उसमें मेरा तो ये हाल हो गया। वो समझदार आदमी मुस्कुराने लगा, ही स्टार्टेड स्माइलिंग, बोले कि तुमने ऐसा अभिप्राय क्यों लिया, ऐसा डिसीजन क्यों लिया कि जो हिरण है वो टूटा हुआ फूटा हुआ हिरण है उसको कोई शेर आके खाना दे जाता है, वाई यू केप्ट योर सेल्फ इन द प्लेस ऑफ डियर, वाई कुडंट यू कीप योर सेल्फ इन द प्लेस ऑफ लायन? तुम अपने आप को शेर की जगह पर क्यों नहीं रख पा रहे कि आई एम हेयर टू सर्व अदर्स, वाई नॉट दैट? तुम हमेशा रिसीविंग एंड पर क्यों रहना चाहते हो, तुम हमेशा गिविंग एंड पर क्यों नहीं जाना चाहते? वाई यू वॉन्ट कि दूसरे मुझे फीड करके जाए, वाई यू कैन नॉट बी अ फीडर टू अदर्स? ये है दृष्टिकोण को पलट करना। उसी क्षण कहते हैं उस साधक को ऐसा यहां पर मान्यता परसेप्शन का बिलीफ का रूपांतरण हुआ, वी कॉल इट एपिफेनी, कोई ऐसी एपिफेनिकल घटना हुई, उसे वो बात ऐसी दिल को छू गई कि वहीं बैठा और 3 बार ओम किया एंड ही केम आउट एज एन एनलाइटेंड बीइंग 3 टाइम्स। ये है दृष्टिकोण का पलटना। यू हैव टू चूज, और तुम क्या चूज कर रहे हो दैट डिफाइंस योर परसेप्शन। तुम अपने आप को उस लाचार बेबस हिरण की जगह देखना चाहते हो या तुम अपने आप को उस जंगल के राजा शक्तिशाली शेर की जगह देखना चाहते हो? तुम क्या मानना चाहते हो खुद को? यस, यू आर हेयर, यू आर बॉर्न टू हेल्प अदर्स, टू फीड अदर्स, टू सर्व अदर्स, मिशन की भाषा में टू सर्व अदर्स। लेकिन ये सर्विंग का दृष्टिकोण भी कब आएगा? व्हेन योर प्रेम सेवा संयम एंड साधना आर बॉन्डेड थ्रू द भक्ति, एलिमेंट ऑफ भक्ति। और ये भक्ति भी गाना बजाना नहीं है, ये भक्ति भी शब्दों का समूह नहीं है, ये भक्ति भी एक यात्रा है। Step by step, you reach to that level of
भक्ति जिसे पुराणों ने गाया है नवद्या भक्ति के रूप में. 9 स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ भक्ति, यानी जो तुम्हारे गुरु की दशा है उस दशा को तुम मांग रहे हो गुरु के पास आके. और क्या चाहते हो तुम? तुम मुझसे क्या चाहते हो? मेरा शॉल चाहते हो? नहीं चाहते. आईपैड चाहते हो? मेरा चश्मा चाहते हो? मेरा माइक्रोफोन चाहते हो? नहीं. तुम क्या चाहते हो? प्रभु आपके जैसी मस्ती चाहिए, आपके जैसी खुमारी चाहिए, यही तो लेने आए हो. और मेरे पास भरपूर है, लेकिन मैं दूंगी किसको? जो पात्र है. Isn't it? ईश्वर के पास सब कुछ है और इक्का दुक्का नहीं है. इन अबंडेंस इतना इनफाइनाइट है कि जितने मांगे ना उसको दिया जा सकता है, लेकिन देगा किसको? पात्रता. इतनी समझ तुम में भी है? तुम्हारा 1 साल का बच्चा 2000 की नोट मांगेगा तुम्हें, तुमसे, तुम दोगे उसको? नहीं. मांग रहा है वो, तुम दे पाओगे? तुम्हें पता है वो तो अभी फाड़ेगा, तोड़ेगा, कुछ भी करेगा. यू ऑल्सो नो. नहीं, बच्चे को देना है नकली नोट दो, कॉइन्स दे दो, लेकिन 2000 का बंडल तो कभी भी नहीं दोगे. तो यहाँ तो बंडल ऑफ एनलाइटनमेंट है. ईश्वर कैसे तुम्हारी पात्रता के बिना दे सकता है? तुमसे कम समझदार है क्या? तुमसे बहुत ज्यादा समझदार है. बट देयरफॉर ही ओनली डिफाइंड. आज विष्णु पुराण के अंदर पूरा डिफाइनिंग द स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ अ भक्त टू बिकम भक्ति. तुम्हारा भक्त कैसे भक्ति के रंग में रंगेगा बताया है. 1 by 1 9 स्टेजेस हैं. चातुर्मास के शुरुआत में मैं आज ही तुमसे वापस उस नवद्या भक्ति की बात करना चाहती हूँ. वैसे मेरा वापस वर्ड कोई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि तुम में से किसी को भी वो 9 प्रकार की भक्ति याद ही नहीं होगी, जबकि हमने की है ईयर्स बैक. बट डजंट मैटर. 9 प्रकार की भक्ति जो विष्णु पुराण के अंदर आती है वो एक भक्त का जीवन है. भक्त का अपने सदगुरु के साथ का एक डिवाइन रोमांस है. व्हाट इज दैट? आज हम संयम की तरफ आगे बढ़ेंगे, साधना की तरफ आगे बढ़ेंगे. कल का दिन तो हमारी प्रस्तुति प्रेजेंटेशन से चलेगी, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि तुम भक्ति के इस भाव में स्वयं को डुबो दो. सो आर वी रेडी फॉर दैट? सत्संगों से मान्यता बदलती है. सदगुरु द्वारा कराए हुए आयोजन, सेवा, संयम, साधना से जीवन का आचरण बदलता है. और इन सबके बदलने के बाद फाइनली तुम्हारा दृष्टिकोण बदलता है. और इन सबको इकट्ठा करती है भक्ति की शुद्धि. ये भक्ति क्या है? ये भक्ति कैसे पनपती है तुम्हारे भीतर? और ये समग्र विकास है. तुम मेरे पास आकर अंतिम भक्ति होती है आत्मनिवेदन. तुम वो भक्ति मेरे सामने आके करो कि प्रभु मुझे आपके जैसा स्वरूप अनुभव चाहिए, तो मैं दे सकती हूँ इफ यू आर हैविंग द फर्स्ट 8. पहले 8 स्टेजेस तुम्हारे जीवन में है तो आई कैन गिव यू 9. और आई कैन गिव यू 9 क्या? यू विल रिसीव द 9th. यू विल रिसीव. लेकिन पहले 8 पूरी यात्रा है. क्या कहते हैं? भक्ति की शुरुआत. पहले ही कदम पर पुराण कहते हैं पहली भक्ति श्रवण भक्ति. भक्ति की भी शुरुआत सत्संग से होती है. यानी तुम में भक्ति भाव भरना है तो वो भाव भरने के लिए भी आरंभ होगा श्रवण से. श्रवण यानी सुनना, सदगुरु को सुनना, अपने कंसेप्ट्स को थोड़ी देर बैक सीट पर रखकर सुनना. अभी गिरेंगे नहीं तुम्हारे कंसेप्ट्स, लेकिन एटलीस्ट बैक सीट पर तो रख सकते हैं कि नहीं? हम ऐसा मानते थे, लेकिन ठीक है प्रभु ने ऐसा कहा ना, लेट अस लिसन टू दिस. सो सबसे पहली इस भक्ति की यात्रा में स्थिति आती है श्रवण की. तुम्हारे जीवन में एनफ श्रवण है कि नहीं है?
श्रवण भक्ति यानी किसी सद्गुरु को सुनना, उनके बिलीफ सिस्टम्स को समझना, अपने बिलीफ सिस्टम्स को रॉन्ग मानना, उनके बिलीफ सिस्टम को अपने जीवन में रिप्लेस करना, ये हो रहा है. श्रवण इज हैपनिंग. कोई है हाथ ऊपर करो तो मैं मानू कि अब तुम नेक्स्ट लेवल पर जाओगे. गुड, वी ऑल. तो भक्ति का लेवल वन क्लियर, स्टेज वन डन. अब जब तुम सुनोगे मुझसे तो तुम खुद को भी जानते हो और मैं भी तुम्हें जानती हूं और पुराण पुरुष भी तुम्हें जानते हैं कि उन्हें पता है कि सुनने के बाद तुम चुप तो रह नहीं पाओगे. Isn't it? तुमने कुछ सुना है और उसके बाद अब तुम चुप तो रहने नहीं वाले, बिकॉज कम्युनिकेशन इज अ वे ऑफ लाइफ. टू स्पीक, टू टॉक, टू कम्युनिकेट, टू इंटरैक्ट इज अ वे ऑफ लाइफ. हर कोई करना चाहता है. तो यदि तुमने श्रवण किया है तो अब तुम सेकंड अपनी भक्ति में आओ, जिसका नाम उन्होंने दिया कीर्तन भक्ति. लेकिन अध्यात्म कीर्तन भक्ति को कैसे देखता है? यूं मंजीरा बजाना वो कीर्तन भक्ति नहीं है. अध्यात्म कीर्तन भक्ति को देखता है कि जो सुना है उसकी बातें करो, उसको बोलो, उसको दोहराओ, दूसरों से शेयर करो, दूसरों से बांटो, दूसरों को अपने बिलीफ सिस्टम समझाओ. तुम अभी भले जी नहीं पा रहे लेकिन तुमने समझा तो है. कीर्तन यानी कहना. जो तुमने सुना है उसे यदि तुम कह पाते हो, एक जने को भी, घर का एक पर्सन तो होगा जिसे तुम कह पाओ अपनी बात को, तो कहते हैं कि तुमने भक्ति का सेकंड स्टेज क्रॉस कर दिया, जिसका नाम है कीर्तन भक्ति. यस, अटेनिंग, अचीव कर पा रहे हो. पहला स्टेज श्रवण भक्ति एनफ है, तो दूसरा स्टेज कीर्तन भक्ति यानी कहना. जो सुना है उसे कहना, अपने भीतर मत रखो. और मैं तुम्हें आगाह कर रही हूं, अगर तुम अपनी बात को अपने एटलीस्ट घर के लोगों तक भी नहीं कह पाओगे ना, तो वो घर के लोग ही किसी दिन कारण बन जाएंगे तुम्हारे श्रवण को बंद कराने का, तुम्हारी श्रवण भक्ति भी छीन लेंगे. इधर यू सेंड योर मैसेज टू देम और दे विल इम्प्लीमेंट योर मैसेज ऑन यू. तुम क्या करना चाहते हो? मैंने अपने जीवन में देखा है, पिछले इस 11 सालों के SRM की यात्रा में भी मैंने देखा है कि कितने लोग यहाँ आ जाते हैं. बहुत रस आता है, बहुत समझ आती है, लेकिन घर के लोगों तक अपनी बात नहीं पहुँचा पाते. तो धीरे धीरे घर के लोगों की वाइब्रेशन उन पर हावी हो जाती है, धीरे धीरे वो छूट जाते हैं, यहाँ से भी छूट जाते हैं. तो श्रवण करने के बाद असेंशियली द सेकेंड फोर्स ऑफ लाइफ शुड बी कीर्तन भक्ति. जो सुना है उसको कहो. मैं ये नहीं कहती पूरा पूरा सत्संग सुना दो, लेकिन दो बातें तो कह सकते हो कि नहीं. कीर्तन भक्ति के बाद तीसरा स्टेज आता है स्मरण भक्ति. मैंने तो तुम्हें साधना भी दे दी है, तुम्हें तो पिक्चर भी मिल गया है, तो स्मरण भक्ति, क्योंकि अब तुम पूरा दिन तो बोलने भी नहीं वाले, तो जब तुम चुप बैठे हो, जब तुम शांत हो, होते हो कभी दिन में शांत होते हो, चुप होते हो, तब तुम्हारे भीतर स्मरण चलना चाहिए. मुद्रा का, वचनामृत का या समागम का, तीन में से किसी का भी स्मरण चलता रहे. यू जस्ट कीप ऑन रिलिविंग दीज मोमेंट्स, यू कीप ऑन रिमेम्बरिंग दोज थॉट्स जो तुम्हें तुम्हारे गुरु ने दिए हैं कि ये मार्ग है. जब तुम्हारा स्मरण गुरु के प्रति का स्मरण, नाउ हियर द इक्वेशन कम्स, गुरु का स्मरण इज ग्रेटर देन द स्मरण ऑफ वर्ल्ड, द स्मरण ऑफ संसार, स्मरण ऑफ भौतिक वस्तु, तुमने लेवल 3 क्रॉस किया. दिस इज टफ. यहीं पे काफियों की विकेट लुढ़क जाएगी. श्रवण भक्ति में तुम थे, सेकंड तुम बोल भी रहे हो, तुमने आसपास के लोगों को अपने गुरु की बातें बताई है, अपने गुरु के वचन बताए हैं. बट द थर्ड थिंग, द स्मरण यानी द थॉट्स ऑफ गुरु, द थॉट्स ऑफ वचन, द थॉट्स ऑफ लाइफ विद द गुरु, दे शुड बी ग्रेटर देन द थॉट्स ऑफ वर्ल्ड व्हेन यू आर सिटिंग अलोन, नॉट व्हेन यू आर वर्किंग. जब तुम काम कर रहे हो तब तो ठीक है, तुम अपने बिजनेस में हो, बिजनेस के ही थॉट्स हैं, दैट इज अलाउड. लेकिन जब तुम खाली बैठे हो तब तुम्हारे भोग के विचार ज्यादा है या तुम्हारे गुरु के साथ के विचार ज्यादा है, दैट विल डिसाइड वेदर यू हैव क्रॉस द थर्ड स्टेज और नॉट. जब तुम अपनी जॉब पे हो, जब तुम ऑफिस में हो, जब तुम काम में हो,
जब तुम अपने दुनियादारी में हो तब नहीं, जब तुम खाली बैठे हो तब. द थॉट्स ऑफ गुरु शुड बी ग्रेटर देन द थॉट्स ऑफ वर्ड. एनीबडी क्लियरिंग द स्टेज? गुड गुड गुड. जिनका नहीं है उन्हें क्लियर करना पड़ेगा. और मैं तो ये कहती हूँ दिन में 5 मिनट निकालो इसके लिए, 5 मिनट ही खाली, ओनली 5 मिनट्स टू चेक योर सेल्फ वेदर यू हैव क्रॉस द थर्ड स्टेज ऑफ नवद्या भक्ति और नॉट. उन 5 मिनट में जब तुम बाहरी कामों में ऑक्यूपाइड नहीं हो तब तुम अपने भीतर जाकर देखो कि व्हाट थॉट्स आर ग्रेटर. अगर गुरु के थॉट्स ग्रेटर हैं मीन्स यू आर इन स्मरण भक्ति. आगे बढ़ते हैं. पुराण कहते हैं कि जब इन तीन का काम हो जाता है, श्रवण भक्ति, कीर्तन भक्ति और स्मरण भक्ति, तो नाउ द फोर्थ स्टेज कम्स पद सेवना, पद सेवन भक्ति, यानी उनके बताए मार्ग पर चलना. चलना भाई जितना हम बोलते हैं उतना चल थोड़ी पाते हैं, लेकिन नाउ द फोर्थ एंड द मोर इंटेंस लेवल कम्स कि जहां उनके बताए मार्ग पर हम चल भी रहे हैं. कोई भी काम करते हैं तो इतना होश के साथ करते हैं कि उनके सिद्धांत हमें पता है, उनकी आज्ञाएं हमें पता है. कितनी बार डायरेक्ट आज्ञाएं नहीं भी होती लेकिन तब तुम्हें उनका सिद्धांत पता होना चाहिए. अभी भी मैं किसी से बहुत नाराज थी एक दो दिन पहले ही. समवॉट मिशन के आगे सेवा कर रहे लोग हैं बट शी दैट पर्सन लॉस्ट हर सेंसिटिविटी फॉर अदर्स. दूसरों के प्रति की उसकी संवेदनशीलता इतनी कम थी कि उसने किसी को कुछ भी कह दिया एंड आई फेल्ट वेरी बैड, वेरी बैड. मुझे समझ में आया कि इनमें चौथी नंबर की भक्ति का अभाव दिख रहा है. दे आर नॉट सेंसिटिव टू अदर पर्सन्स फीलिंग्स. हम अगर ऐसा कुछ कहेंगे तो उसे सामने वाले को दुख लगेगा, वो सोच ही नहीं पा रहे. ऐसा नहीं कि वो ऐसे है, शी इज अ वेरी गुड सोल, लेकिन सडनली उनकी भक्ति के अंदर कुछ ऐसी कोई ऐसा दुष्परिणाम आ गया, कोई ऐसी मलिनता आ गई कि जिस कारण वो सोच ही नहीं पा रहे कि मैं ये जो सेवा कर रही हूँ इसके अंदर मैं जो भी बोलूँगी उसको सामने वाले को दुख लग गया तो, उसे गुरु तत्व के प्रति संदेह पैदा हो गया तो, मेरे ऐसा करने से उसके मार्ग की निष्ठा डावाडोल हो गई तो. कुछ सोचना ही नहीं है, बस फ्लैटली बोल देना है. मैंने डांटा भी उनको, डटवाया भी और डांटा भी. क्यों? क्योंकि तुम्हारी भक्ति कहीं कम हुई है. सो पद सेवन का अर्थ होता है श्रवण में जो मार्ग सुना है उसको अब धीरे धीरे अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाना. ये पद सेवन हो रहा है कि नहीं? यस, हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, मुझे दिखता है. तभी मैं तुम लोगों को देखकर कह सकती हूं कि तुम्हारी भक्ति बहुत बड़ी है. जब हम पद सेवन पर आ जाते हैं यानी उनके बताए मार्ग पर चलने लग जाते हैं तो नेक्स्ट लेवल की भक्ति आती है जिसे पुराण की भाषा में अर्चन भक्ति कहते हैं. अर्चन, अर्पण करना. क्या दोगे तुम? क्या दोगे? तुम्हारा कह सको ऐसी दो ही चीजें हैं तुम्हारे पास. तुम्हारा कह सको ऐसी दो ही चीजें हैं तुम्हारे पास, एक तुम्हारा समय और दूसरा तुम्हारी शक्ति. इजंट इट? ये दो ही चीजें हैं. इन दोनों को तुम कितना अर्पण करते हो अपने गुरु के लिए या गुरु के बताए मार्ग के लिए. सारी बातें गुरु के आसपास ही घूमेगी. कितना अपना समय कितना देते हो किसी भी सेवा के लिए, साधना के लिए, सत्संग के लिए, भक्ति के लिए, वॉट एवर, लेकिन कितना समय दे रहे हो और कितनी शक्ति दे रहे हो अपनी साधना के लिए. साधना नीड्स लॉट ऑफ एनर्जी. ढीले ढाले लोगों का काम नहीं है साधना करना. इसलिए कितनी शक्ति दे पाते हो आप अपनी साधना में और कितना समय दे पाते हो अपने जीवन में गुरु तत्व के प्रति के सेवा, संयम आदि के कार्य में, ये तुम्हें देखना है. ये है अर्चन भक्ति, अर्पण करना. दो ही चीजें हैं तुम्हारे पास, समय और शक्ति. उन दोनों को कैसे तुम यूज करते हो, यूटिलाइज करते हो. दिस इज द फिफ्थ स्टेज ऑफ भक्ति. डू वी थिंक दैट वी आर on that level also? Yes. एकदम zero मत करो अपने आप को. I am not asking for 24 hours. No. दिन में 10 मिनट भी तुम अर्पण कर रहे हो. 10 क्या? तुम कहोगे प्रभु 2-3 घंटे तुम्हारे होते ही हैं इसमें, और अभी तो मैं चातुर्मास संयम में तुम्हें बांधने जा रही हूँ तो
बहुत समय तुम्हें अर्चन भक्ति के अंदर आना होगा, यानी यू हैव टू स्पेयर योर टाइम, यू हैव टू स्पेयर योर एनर्जीज फॉर चातुर्मास संयम. आर यू रेडी? तो आज दो न्यू रिलीज जो आ रहे हैं, एक चातुर्मास संयम और दूसरा अपूर्व अवसर की प्रतियोगिता, ये दोनों क्या मांग रहे हैं? तुम्हारा समय और तुम्हारी शक्ति, यही तो दे रहे हैं. संयम के लिए शक्ति चाहिए और पेपर के लिए समय चाहिए, ये दोनों चीजें चाहिए. सो बाय दिस थिंग, बाय चातुर्मासिक संयम एंड विद अपूर्व अवसर प्रतियोगिता, आई एम प्रिपेयरिंग यू फॉर द फिफ्थ स्टेज ऑफ भक्ति, अर्चन भक्ति. समय और शक्ति दोनों तुम्हें देने हैं. पहली थी श्रवण भक्ति, सुनना बहुत आसान था. दूसरी कहना दूसरों से, एटलीस्ट अपने फर्स्ट फैमिली को जरूर कहना. जो फर्स्ट फैमिली को नहीं कह पाते, परिवार को नहीं कह पाते, उनके परिवारों को मैंने उन्हें वापस खींचते हुए देखा है, तो जरूर कहना. तीसरा स्मरण, एटलीस्ट दिन में 5 मिनट को ऐसे देखो, व्हेन द थॉट्स ऑफ गुरु एंड द थॉट्स ऑफ पाथ इज ग्रेटर देन द थॉट्स ऑफ वर्ल्ड, पॉसिबल है? थर्ड फोर्थ पद सेवन, तुम्हारा जीवन इस तरह से संगठित हो, तुम जो भी सेवा कर रहे हो, तुम जो भी काम कर रहे हो, तुम्हें कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में उनके वचनों का ख्याल है. फिफ्थ कम्स अर्चन भक्ति. अब तुम्हें अपने समय और शक्ति को अर्पण करना है, और ये भी किसके लिए? खुद के लिए. मैं तुम्हारे समय का क्या करूंगी, मैं तुम्हारी शक्ति का क्या करूंगी, अपने लिए करना है. लेकिन इसीलिए अर्चन के साथ साथ दूसरी भक्ति डाल दी, वंदन भक्ति. अब गड़बड़ क्या होती है कि जब शब्द पौराणिक होते हैं तो हम उनका बड़ा जेनरिक मीनिंग ले लेते हैं कि वंदन यानी गुरु के सामने जाकर अपना सिर पटकना. नो, इट इज नॉट वंदन. वंदन जेनरिक मीनिंग तो यही चल रहा है, किसी को वंदन करना यानी यूं पैर छूना, हाथ छूना, वट एवर. बट सदगुरु जब आता है हर क्षेत्र हर काल में, वो इन जेनरिक मीनिंग्स को हटाता है और एक्चुअल मीनिंग्स, स्पिरिचुअल मीनिंग्स उनको वापस तुम में रीइंस्टॉल करता है. सो भाई वंदन वी नेवर मीन कि आओ और सिर में अपने सिर को यहां झुका दो. वी डोंट मीन दैट. वी मीन कि तुमने जितना कुछ अर्चन किया ना, अर्चन पांचवी भक्ति थी, उससे तुमने जो कुछ भी किया यानी संयम किया, साधना की, समय दिया, शक्ति दी, उन सबके अकर्ता बन जाओ. अकर्ता, मैंने किया ये भाव नहीं, प्रभु आपने कराया, आपकी कृपा से हुआ, आपने ही वो वाइब्स भेजी, आपने ही वो समय दिया, आपने ही वो शक्ति निकाली. धीरे धीरे खुद को खोते जाओ. ने तो भक्ति की इतनी हायर लेवल, सिक्स लेवल इज अ हायर लेवल ऑफ भक्ति, वहां आके गिरोगे तुम, क्योंकि जहां तुम्हें यह भाव आया मैंने किया, वहां अब क्या होगा? तुमने किया, समय भी लगाया, शक्ति भी लगाई, लेकिन उसमें कर्ता भाव आ गया, उसमें डूअरशिप आ गई, अब क्या होगा? तुम भक्ति की उस स्टेज से नीचे लुढ़कने वाले हो, और ऊपर से गिरोगे तो ज्यादा लगेगी कि नहीं, ज्यादा तकलीफ होगी. सो अर्चन और वंदन भक्ति एक्चुअली देखे तो एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, टू फेसेस ऑफ वन कॉइन. जितना किया साथ साथ उसमें अकर्ता भाव, साथ साथ संग संग उसके अंदर, अरे इट्स योर ग्रेस. गिर भी गए ना, अरे इट्स योर ग्रेस. एक ही तो हड्डी टूटी है, कल ही किसी की हड्डी टूटी, एक ही तो टूटी है. वो कहते नहीं तीन चार टूटे, तीन चार ही तो टूटी है, बाकी की तो 200 ठीक है ना. ये प्रफुल्लितता, ये प्रसन्नता, कहीं ना कहीं अगर तुम भक्त हो ना, सच्चे भक्त, और वैसे भक्त सच्चा ही होता है, ये तो मुझे प्रीफिक्स लगाने पड़ते हैं, सच्चा भक्त. ये मेरी सच्ची पत्नी है, कोई ऐसा बोले तो उसके करेक्टर पर हम संदेह करेंगे, अरे सच्ची पत्नी क्या होती है, पत्नी तो हो. इसी तरह कोई बोले ये सच्चे गुरु है या ये सच्चे भक्त है, तो मुझे तो उन पर डाउट ही होता है कि इन्होंने इसका मतलब गुरु या भक्त का
मतलब ही नहीं समझा, लेकिन अब तुम नहीं समझते इसलिए मुझे बोलना पड़ता है। सच्चे भक्त हैं यदि हम तो जीवन एक एक भक्ति के साथ ना प्रसन्नता से भरता जाएगा। तुम फील करोगे जितनी श्रवण भक्ति में प्रसन्नता थी ना, उससे ज्यादा कीर्तन में, उससे ज्यादा स्मरण में, बोल बोल के तुम खुश होते थे, उससे ज्यादा चुप हो के खुश होते हो। लेकिन अभी यदि अहंकार होगा ना, तो वो कहेगा कि बोलने से ज्यादा खुशी तो स्मरण में मिल रही है, तो बोलना स्किप कर देगा, कहेगा स्मरण ही करो ना, लेकिन यहां पर तुम्हारी भक्ति खंडित हो जाएगी। आर यू गेटिंग मी? ये बहुत बारीकियां हैं मार्ग की, तुम्हें समझाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगेगा कि अरे बोल कर तो ना वो प्रसन्नता नहीं मिलती जितना चुप होके मिलती है। यू स्टार्ट डूइंग दैट थिंग, अब चुप रहो, अब चुप रहो, चुप रहो, कोई आएगा वापस तुम्हें समझाने कि बोलने के समय में बोलना है और चुप होने के समय में चुप होना है। तुम बोलने के समय में चुप हो जाओगे तो जब तुम चुप रहने की कोशिश करोगे तो दिमाग बड़बड़ाएगा। लेकिन एक एक भक्ति के अलग अलग अनुभव हैं, अलग अलग नियम है, अलग अलग उनकी स्थितियां हैं। तो अर्चन भक्ति में जब तुम अपने समय और शक्ति को गुरु के बताए मार्ग के अनुसार चलाते हो, समय भी निकालते हो, शक्ति भी निकालते हो, किसके लिए? फॉर योर बेटरमेंट। तो क्या होता है? भक्ति का लेवल तुम्हारा और बढ़ता है। यू फील फुलफिलमेंट। तुम जो कुछ भी कर रहे हो उसमें तुम्हें तृप्ति का, संतोष का एहसास होना शुरू हो जाता है। और जब तुम इस लेवल पर आते हो, यू आर तृप्त, यू आर कंटेंटेड, तुम संतुष्ट हो, तो अगले स्तर की भक्ति आती है, सेवंथ भक्ति, जिसे हम कहते हैं दास्य भक्ति। दास्य भक्ति यानी अब अपना उपयोग करूं आपके लिए। और वो भी ऐसे नहीं, वो भी ऐसे नहीं कि अब कुछ काम नहीं है तो अपना उपयोग करूं आपके लिए, नहीं, काम तो बतेरों हैं, लेकिन अपने हर काम को छोड़कर अपना उपयोग करूं आपके लिए, ये है दास्य भक्ति। जो ये सोचता है ना कि जब फ्री होंगे तब सेवा कर लेंगे, उन्हें ईश्वर कभी फ्री होने नहीं देते, कभी भी नहीं फ्री होने देंगे। और जो ये सोचता है ना जितने भी काम है बट सेवा या गुरु का बुलावा या SRM, जो भी अभी हम SRM में है तो SRM की बात, दैट फर्स्ट, बाकी सब कुछ बाद में, उन्हें माया कभी अटका नहीं सकती। जितना ये संघर्ष तुम्हारे भौतिक मन और आध्यात्मिक मन के बीच में है, उतना ये संघर्ष माया और ईश्वर के बीच में भी है। कौन जीतेगा? द चॉइस बिकम्स योर्स, तुम्हारी अपनी चॉइस होगी। कुछ काम नहीं है तब सेवा करेंगे, उसे कभी ईश्वर फ्री नहीं होने देते। आई एम टेलिंग यू, सेवा छोड़ो साधना के लिए भी, कुछ काम नहीं है तब फिर साधना करेंगे, उसे कभी ईश्वर ही फ्री नहीं होने देते। और जो सोचता है ना कि नहीं कोई भी काम हो बट दिस इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, बाकी सब सेकेंडरी, उसे तो माया भी आजाद कर देती है कि जाओ तो करो। तो ईश्वर और माया की भी साठ गांठ है ये, लेकिन इसमें चाहिए दास्य भक्ति। सो सेट योर प्रायोरिटीज, दास्य भक्ति को समझना है तो सेट योर प्रायोरिटीज, कि जब व्हेन इट कम्स टू सेवा एंड संयम एंड साधना, दिस इज द प्रायोरिटी, बाकी सब उसके बाद। देन कम्स दास्य भक्ति के बाद, जब तुम अपना उपयोग गुरु तत्व के लिए करने लगते हो, उनके बताए मार्ग के लिए करने लगते हो, देन द नेक्स्ट स्टेज ऑटोमेटिकली कम्स, सखा भक्ति, द मोस्ट ब्यूटिफुल भक्ति दैट वॉज बिटवीन अर्जुन एंड श्री कृष्ण भगवान, वो भक्ति अब यहाँ पर तुम्हें दिखती है। तुम्हें लगा कैसे अर्जुन कृष्ण को ऐसा बोल सकता है, कैसे अर्जुन ऐसा पूछ सकता है, अर्जुन मूर्ख है, लेकिन नहीं, अर्जुन सखा था इसलिए अर्जुन पूछ सकता है। तो वो सखा के लेवल की भक्ति कहाँ से आई? तो पुराण पुरुषों ने कहा ये पूरी यात्रा अर्जुन ने की है,
श्रवण भक्ति से लेकर ये सारी यात्रा करते करते अर्जुन के अंदर सखा भाव प्रकट हुआ है। तुम्हें अर्जुन वाला सखा भक्ति तो चाहिए कोई कृष्ण के साथ, लेकिन आगे के 7 स्टेजेस नहीं क्रॉस करने, कभी पॉसिबल है क्या? तुम्हें सीधी चौथी रोटी खानी है, कभी पॉसिबल है? चौथी रोटी के बाद पेट भरता है तो सीधी चौथी रोटी खा ले, कभी ऐसा होता है क्या? नॉट पॉसिबल। सीधे तुम्हारे अंदर सखा भक्ति का भाव ही नहीं आएगा, चाहे मेरी तरफ से कितना भी सखा भाव हो, तुम्हें वो रिसीव ही नहीं होगा। गुरु में ये 9 के 9 भक्ति होती है। गुरु तत्व ऐसा संगठित होता है, ऐसा डेवलप्ड वर्जन ऑफ ह्यूमन बीइंग होता है, इवॉल्व वर्जन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, कि उसके अंदर 9 की 9 भक्ति एक साथ चलती है। तुम्हारे में तो एक एक करके आएगी, गुरु में 9 की 9 होती है। और तुम्हें आश्चर्य होगा कि कोई एक ही समय में दास भी है और सखा भी है। आहा, यही तो पैराडॉक्सेस है, यही तो विरोधाभास है, जिसके कारण हम अध्यात्म को रहस्यवाद कहते हैं। वी कॉल द स्पिरिचुअलिटी एज मिस्टिसिज्म। व्हाई? बिकॉज इतने सारे विरोध हैं, इतने सारे पैराडॉक्सेस हैं, इतने सारे म्यूचुअली अपोजिट चीजें एक साथ कोएग्जिस्ट कर रही हैं यहाँ। इस कारण से हम कहते हैं रहस्य है इस मार्ग में पूरा, और होगा ही ना, कोई दास भी है और सखा भी है, हाउ इज इट पॉसिबल? एंड आई एम नॉट गिविंग यू दिस 9 ऑप्शंस, ओके? आई होप आई एम वेरी क्लियर। तुम चूज कर लो कि नहीं मैं तो श्रवण भक्ति ठीक है। नो नो नो, आई एम टेलिंग यू द जर्नी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ अ भक्त, डिवोटी की इवोल्यूशन की जर्नी बता रही हूँ। और ये ऐसा भी नहीं बता रही कि एक के लिए 1 महीना चाहिए तो दूसरे के लिए 2 महीने चाहिए, तीसरे के लिए 3 महीने चाहिए। दे ऑल कैन को एग्जिस्ट एक ही समय में। देखो बोलने में क्रम पड़ता है, मेरे बोलने में मुझे 1, 2, 3, 4, 9 तक बोलना पड़ेगा, लेकिन होने में क्रम नहीं होता, तो ये सारी एक साथ आ सकती है। तो दास्य भक्ति में अपना उपयोग, अपनी प्रायोरिटीज को सेट करना कि दिस इज माय प्रायोरिटी, तो सखा भक्ति तुम्हारे भीतर उकर आएगी कि यह तुम्हें फील होगा, तुम्हें एक्सपीरियंस होगा कि गुरु जैसा तो बेस्टेस्ट फ्रेंड कोई होता ही नहीं है। बेस्टेस्ट फ्रेंड, जो आप लोग गाते थे ना, गुरु जैसा ना ही कोई दूजा, भेद खुला है भाई। भेद मतलब रहस्य, ये रहस्य खुलता है 8वीं भक्ति पर। जब 8th भक्ति पर जीव पहुंचता है तब ये रहस्य खुलता है, गुरु जैसा ना ही कोई दूजा, भेद खुला है रहस्य मेरे अंदर से। ये रहस्य उजागर हुआ है कि अरे तुम्हारे जैसा मित्र तो कोई और हो ही नहीं सकता। कौन होता है मित्र, कौन होता है मित्र? कितनी बार हम बातें करते हैं अलग अलग ढंग से, मित्र कौन होता है? जिसे तुम्हारी हर जरूरत के बारे में पता होता है, तुम्हारी हर इच्छा के बारे में पता होता है, और खाली पता होता है इतना ही नहीं, उसे पूरी करने के लिए तत्पर भी होता है। सखा भक्ति जागती है, और जब तुम में सखा भक्ति जागती है, ध्यान से सुनना, जब तुम में सखा भक्ति जाती है तो गुरु तो सब कुछ रेडिएट कर ही रहा है। एट दिस टाइम नाउ गुरु स्टार्ट्स रेडिएटिंग द एनर्जीज, द वाइब्रेशंस ऑफ अ फ्रेंड, ऑफ अ सखा। अभी तक तो गुरु वॉज सेंडिंग द वाइब्रेशंस ऑफ पीस, ऑफ लव, ऑफ नॉलेज, यही सब वाइब्रेशंस आ रही थी। लेकिन एट द स्टेज ऑफ सखा भक्ति नो, गुरु इज ऑल्सो सेंडिंग यू, और ऐसा कहो तो यू आर रिसीविंग द वाइब्स ऑफ फ्रेंडशिप। गुरु के पास तुम्हें कोई डर ही नहीं लगता, निर्भयता, उपकारिता। अपूर्व अवसर में आए थे ना कि मित्र के लक्षण थे उपकारी दिखता है, उसका उपकार ऐसा हृदय में चिपक जाता है ना कि भले 2 बार भी तुम्हारे साथ ना भी बोले, तुम्हें हाईएस्ट से हाईएस्ट पनिशमेंट भी दे, लेकिन फिर भी तुम्हें लगेगा इसके जैसा उपकारी तो कोई है ही नहीं। तुम्हारे
इतने इतने प्रेजेंटेशंस आए हैं गुरु भक्ति के, इतने सारे. आई टेल यू कि मैंने एक एक प्रेजेंटेशन को देखा है और पूरा पूरा देखा है, पूरा पूरा. वन फुल डे आई वॉज ऑन दिस. सो सभी को देखा है, सभी के भाव ने मुझे बहुत छुआ है, मुझे समझ में आता है कहाँ है क्या कर रहे हैं. सबसे पहले ये अभिषेक तुम्हारा देखा, अभिषेक बैठा है, यस ए नाम था तो वो मेरे फोल्डर में है. अभिषेक सबसे पहले गार्डन में जाकर कहीं बड़ी प्यारी भक्ति करी है. मैंने जितने आए थे सभी को देखा है, ऑल. लेकिन डिजिटल सेवा टीम की अपनी एक लिमिटेशन है कि नहीं है. अब 2 घंटे में उन्हें इवेंट करना है पूरा पूरा, 2 नहीं 3 घंटे में, और उसमें उनको वो भक्ति वगैरह दिखाने के लिए 20 मिनट्स का स्लॉट मिला है. दे हैव टू रिड्यूस समथिंग, है कि नहीं. कुछ काटना पड़ेगा, कुछ छांटना पड़ेगा, कुछ क्लब करेंगे, वॉट एवर दे आर डूइंग आई डोंट नो मच. लेकिन तुम्हारी प्रेजेंटेशन चाहे यहाँ स्क्रीन पर दिखे चाहे ना दिखे, तुम्हारी प्रेजेंटेशन के पीछे भाव क्या था, मुझे अर्पण करने का था ना. तो आई प्रॉमिस मैंने सबके देखे. अब अगर तुम्हें फोन आता है कि आपका सिलेक्ट नहीं हुआ, ऐसे तो कोई मूर्ख ही है जिसने फोन किया कि तुम्हारा सिलेक्ट नहीं हुआ, तो तुम्हें धक्का लगे ना अगर, तो समझना तुम्हारी भक्ति कम है. क्योंकि गुरु ने तो देखा है और तुमने गुरु पूर्णिमा पर गुरु के लिए भेजा था, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं भेजा था. यस, भक्ति की कमी है. अगर तुम्हारी अब 100 प्रेजेंटेशंस मेरे पास आई हैं और यहां पर 20 मिनट में टुकड़ों टुकड़ों में कुछ दिखाना है, तो ऑब्वियसली इट शुड बी समथिंग विच मेक्स सेंस, इजंट इट. 100 प्रेजेंटेशंस को मैं टुकड़ों टुकड़ों में दिखा नहीं सकता हमारा टीम. तो जो भी 10-15-20 जितनी भी सिलेक्ट की होगी उन लोगों ने, वो दिख रही है. और तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा प्रेजेंटेशन, तुम्हारी स्पीच, तुम्हारा डांस, वट एवर यू हैव गिवन नहीं आया, उस टाइम पर भी तुम्हारे भीतर अगर ये भाव आता है ना, अरे गुरु ने देखा ना, ही इज माई फ्रेंड, उनके पास पहुंचाना उनके लिए था, 5 मिनट के लिए भी तुम्हारा टेम्पो डाउन हुआ ना, मतलब तुम्हारी सखा भक्ति की कमी है. और देखना सखा भक्ति क्या, मुझे तो लगता है भक्ति की पद सेवना भी कम हो गया. गुरु के बताए मार्ग पर कहाँ हो तुम, तुम्हारा अर्चन और वंदन भी कहाँ है, क्योंकि तुमने करने के बाद अर्पण ही नहीं किया. कर्ता भाव था, मेरा दिखाएं तो कितना अच्छा, मेरा दिखाएं तो कितना अच्छा, नहीं हो सकता. हाँ, मेरे तक पहुँचाने थे, सबके भाव पहुंच गए. तो जब जब ऐसी कोई घटना घटती है, टेस्ट योरसेल्फ ऑन द बेंचमार्क एंड ऑन द बैरोमीटर ऑफ भक्ति, कि तुम्हारी भक्ति कितनी है. और तब तुम चेक करोगे कि अगर तुम्हें कुछ भी अंदर नहीं होता, कुछ भी नो खलना, अरे प्रभु ने देखी ना, मजा आ गया बस, तो समझना तुम्हारी सखा भक्ति इवॉल्व हो गई है. सखा ये सखा भक्ति सुनने में जितनी डियर लगती है ना, उतनी होने में नहीं होती. क्योंकि वो तो गुरु की तरफ से जो सखा भक्ति आती है ना, हर बार तुम्हें किसी ना किसी ऐसे लेवल पर रखेंगे ना. तुम अभी गिफ्ट हाथ में दे रहे हो, तुम देख रहे हो, इतनी देर में वो गिफ्ट किसी और को दे दिया. मुझे कंप्लेन भी आई थी किसी की, प्रभु हमने तो आपके लिए दिया था. अरे लिया ना मैंने, खुशी खुशी लिया, लेकिन अब मुझे देने में भी कितनी अपेक्षाएं होती है. प्रभु आप खोलो, आप देखो, आप रखो. अब क्या इसको कौन सी भक्ति बोलूं मैं, नहीं ये तो खाली देने का भाव है, भक्ति नहीं है. भक्ति में तो तुमने दिया, मैंने छू लिया, और मैं तो तुम्हें कहती हूं मैंने नजरों से भी छू लिया ना, तो वो मेरा हो गया. बस हाथ तो छोड़ो. ये लेवल लाना है मुझे, क्योंकि जब ये सारे लेवल्स ऑफ भक्ति तुम्हारे इकट्ठे होंगे ना, देन दैट ग्लू विल बी क्रिएटेड. उसके बाद ही वो फेविकोल बनेगा जो तुम्हारे सेवा, संयम और साधना को क्लब करेगा, इकट्ठा करेगा, और तुम्हारे दृष्टिकोण को बदल के तुम्हें प्रेम का एहसास कराएगा कि हाँ ये प्रेम है, और गुरु से मुझे इस प्रेम की वाइब्स मिल रही है.
योर भक्ति हैज टू बी इवॉल्व्ड. इसलिए अगर मैंने मेडिटेशन सेंटर के निर्माण के साथ साथ तुम्हें ये बोला है कि हमारी भक्ति बढ़नी चाहिए, आई एम डिफाइनिंग माई भक्ति टुडे. 6 साल पहले किया था हमने नारद के भक्ति सूत्रों में भी, ये 9 बातें आई थी, लेकिन अगेन आई एम वेरी स्पेसिफिकली डिफाइनिंग माई एक्सपेक्टेशंस ऑफ भक्ति टू यू. अर्चन भक्ति, वंदन भक्ति, दास्य भक्ति, सखा भक्ति, 8th level तक आओ ना, अब तुम पात्र हो, लायक हो गुरु के सामने आकर. नाउ द अल्टीमेट भक्ति अराइजेज इन यू, आत्मनिवेदन. गुरु जो तुम्हारे पास है ना वो मुझे चाहिए. और एक सखा मांगेगा, एक दास मांगेगा तो कैसे मांगेगा, भीख में दो. और सखा मांगेगा तो कैसे मांगेगा, हक है दो मुझे, ये चाहिए. हक से मांगोगे तुम, ये है जर्नी एक भक्त की. एंड आई एम डिफाइनिंग वेरी वेरी क्लियरली कि मुझे तुम्हारी ये जर्नी चाहिए. और ये 9 की 9 घटना ना एक दिन में भी हो सकती है, इजंट इट. एक ही दिन में तुमने अभी सुना, बोला, स्मरण किया, उनके पाथ पर चले तुम, समय और शक्ति को उनके बताए संयम और साधना के लिए यूज किया, उस संयम और साधना में से कर्ता भाव हटा दिया, अपना उपयोग, अपनी प्रायोरिटी उनके प्रति करी, अपने भीतर उनके प्रति ऐसा भाव जो सखा जैसा, यानी सतत उपकार का भाव. जब ये 8 चीजें एक ही दिन में हो सकती है, एंड देन यू कम इन फ्रंट ऑफ अ गुरु, यू कैन रियली, हक से तुम मांग सकते हो. प्रभु निवेदन भी क्या, निवेदन तो शब्द है शास्त्रों का, तो मैंने भी लिख दिया आत्मनिवेदन. लेकिन अब तुम हक से कहो कि जो दशा आपके पास है ना वो दशा मुझे चाहिए. पॉसिबल है? डियर स्मिता प्रभु, स्मिता प्रभु है ना, हाँ, इसके नोट्स नहीं बनाने, इसमें हृदय में खूब उमंग होना चाहिए जो तालियों में कन्वर्ट हो रहा हूँ, क्योंकि इसके भी नोट्स बनाए तो मुझे लगता है वो बात दिल को नहीं छुएगी, कॉपी को छुएगी, तो कॉपी का रूपांतरण होगा, कॉपी आत्मनिवेदन कर लेगा, लेकिन दिल को आत्मनिवेदन करना है. फॉरगेट इट, ये सब हटा दो नोट्स को, जरूरत ही नहीं है नोट्स की. दिल से सुनो, क्योंकि मैं जो कह रही हूँ ना दिल से बोल रही हूँ, और दिल से बोली हुई बातें जब हाथों से रिसीव होती है तो वो चित्त को रूपांतरित नहीं करती. दिल से कही हुई बातें जब दिल को छूती है तो तुम्हारे चित्त को बदल देती है. She's such a nice soul. मुझे पता है वो इसमें भी, इनका चिंतन तो चल रहा होगा, बट राइट नाउ बी फ्लैट, जस्ट ट्राई टू रिसीव जो मैं कह रही हूँ, उसमें उस बारिश में भीग जाओ, इन शब्दों में खो जाओ, इतने खो जाओ कि हाथ अचानक तालियों में बजने लगे तो कहा जाएगा कि ये भक्ति की क्लास थी, नहीं तो इसमें क्या, ये तो फिर वापस एक सत्संग ही हो जाएगा, एक इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग. नो, भक्ति इज डिवोशन, ऐसा आंतरिक भाव कि एक एक बात तुम्हें मेरी तुम्हारे हृदय को छू रही हो, छूती हो, और छू रही है वो मुझे दिख रहा है, तुम्हारे चेहरों पर दिख रहा है. जन्मों जन्म से भटके थे, ऐसा नहीं है कि मार्ग नहीं चाहते थे, मंजिल को गले लगाना नहीं चाहते थे, ऐसा नहीं है, लेकिन जो प्रोसेस है ना उसी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं. जब इस सभा में हो, जस्ट फ्लो विथ मी,
फ्लो, कोई नोट टेकिंग नहीं, अभी कुछ नहीं, इम्पॉर्टेंट बातें हैं तो ये यूट्यूब पे आएगा जब सत्संग, तब नोट कर लेना, और वर्ड्स भी सारे आ ही गए होंगे, यहाँ आए थे 9 के 9 भक्ति के, तब बैठ कर लिखना है इसको, छूने दो बात को, क्योंकि जो तुम्हें छुएगा ना वो तुम्हें बदलेगा। मैं हमेशा कहती हूँ ना, व्हाट टचेस यू इट ट्रांसफॉर्म्स यू, लेकिन जो तुम्हारी तुम पेन्स के थ्रू खाली कॉपी में लिख रहे हो, कॉपी में रह जाएगा, आचरण में अनुभव में नहीं आ पाएगा। सो भक्ति के ये 9 स्टेजेस हैं। सीधा आके तुम आत्मनिवेदन करते हो तो सद्गुरु का तो हृदय ही ऐसा होता है कि वो देना चाहते ही चाहते हैं कि मेरी वाली अनुभूति तुम्हें भी मिले, उसका हृदय ही ऐसा होता है। लेकिन साथ साथ में उसमें इतनी बुद्धिमता भी है, उतनी समझ भी है, उतना विवेक भी है कि किसको दिया जा सकता है और किसको नहीं दिया जा सकता। माँ को अपने बच्चे को 2,000 रुपये देने क्या भारी लगते हैं? नहीं लगते, देना भी जाती है, लेकिन बच्चा है फाड़ देगा इसलिए देती भी नहीं है। ऐसा ही ये सद्गुरु का हृदय होता है, देना भी चाहता है तुम्हें वो अनुभव, लेकिन दे भी नहीं पाता। क्यों? क्योंकि तुम भक्ति की इन स्टेजेस को अभी क्रॉस नहीं किए, लेकिन कर सकते हो, कर सकते हो। और मैं ऐसा तुम्हारे ऊपर कोई आरोप ही नहीं लगा रही हूँ कि तुमने कुछ नहीं किया, तुमने सब कुछ किया है, लेकिन अब लेट अस बी मोर प्रिसाइज। और चातुर्मास का काल तो खास, इट इज अ काल के जहां हमारी धुलाई होती है, धुलाई, और किस लेवल की धुलाई होती है तुम्हें पता है? धुलाई मतलब सफाई, धोना। ब्रह्मांड के स्तर पर 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। जब हमारा कोई कपड़ा गंदा होता है तो तुम्हें पता है, देखा ही होगा कि पहले जो कपड़े धोने वाले धोबी ले जाते थे कपड़े को, पत्थर पर पटकते थे, देखा है कभी धोबी घाट, पत्थरों पर पटकते, उसको अर्थ वॉश कहते हैं, पृथ्वी से धोना, खुद नहीं रगड़ रहे, नहीं, वो उस कपड़े को इस अदा से पत्थर पर पटकते थे कि जिससे जहां जहां मैल होता था वो मैल चला जाता था। उसके बाद आगे जाके दूसरा एक एरा शुरू हुआ जिसके अंदर हमने पानी में कपड़ों को भिगोना शुरू किया। अब कोई पत्थर पर पटक पटक के कपड़ों को साफ नहीं करते, अब हम पानी में भिगोते हैं उसको, इजंट इट, कपड़ा मैला है पानी में भिगोना पड़ेगा, ज्यादा मैला है ज्यादा देर तक पानी में भिगो के रखना पड़ेगा, सर्फ वगैरह जो भी डालते हो उसको डालना पड़ेगा। तो एक ढंग होता है कचरा हटाने का कि पृथ्वी के आधार पर कचरे को हटाया जाए, दूसरा ढंग होता है पानी के आधार पर कचरे को हटाया जाए, हटता है उसमें भी, एक तीसरा ढंग होता है अग्नि के आधार पर कचरे को हटाया जाए। कपड़े को तो पृथ्वी और पानी से धो लोगे, लेकिन जितना तुम्हारा तत्व महंगा उतना उसे अब अग्नि में धोना पड़ता है, यस और नो? सोने को धोना हो, गोल्ड को वॉश करना हो, अग्नि में तपाना पड़ता है। मलिनताएं कितनी ही निकालनी हो, अग्नि में तपानी पड़ती है। रोज की रोज जिंदगी में देख लो, तुम्हारी चाय की छन्नियों के अंदर भी ना चाय पत्ती जम जाती होगी, तो जिसे पता होगा उसे पता होगा कि उसे फायर पे रख दो, सब की सब अशुद्धियां उसमें से निकल जाती है। कितना भी पानी से रगड़ो अशुद्धि नहीं जाएगी, कितना भी साबुन से रगड़ो अशुद्धि नहीं जाएगी, लेकिन उस पानी के वो चाय की छन्नी को आग पर रख दो सारी अशुद्धियां चली जाएगी। सो देयर इज अनदर वे ऑफ क्लिंजिंग, दैट इज फायर वॉश। यस, पहला अर्थ वॉश, दूसरा वाटर वॉश, तीसरा फायर वॉश, उसके बाद चौथा तत्व क्या है? एयर वॉश। एयर वॉश यानी पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा, उसकी जो एयर है, उसकी हवा है, वो ही ऐसी हो गई है कि इफ यू एंटर इनटू सर्टेन प्रोसेसेस, तुम्हारा शुद्धि अपनी पीक पर होगा। दिस इज चातुर्मास साधना पद। क्यों हम इसे साधना पद कहते हैं? क्यों इतने नियमों के पूरे बंडल ले आते हैं? क्यों? बिकॉज दिस इज द टाइम ऑफ अ सटलर वे ऑफ प्योरिफिकेशन।
तुम्हारी शुद्धि का और ज्यादा सूक्ष्म ढंग है, यानी सूक्ष्म स्तर पर पड़े मैल निकालने का ढंग है, सूक्ष्म स्तर पर। और जितने सूक्ष्म स्तर पर मैल है वो ज्यादा चिपके हुए हैं भीतर भीतर, तुम्हें पता भी नहीं है। एंड दीज फोर मंथ्स फ्रॉम 25 जुलाई टू नवंबर, ये जो है फोर मंथ्स, ब्रह्मांडीय हवाएं कुछ ऐसी होती है कि तुम उस हवा में खड़े रह जाओ कुछ प्रोसेसेस के साथ। ऑफ कोर्स तुम हवा में पूरा का पूरा कोई सूट, गर्म सूट पहन के खड़े रहोगे तो काम नहीं होगा। सर्टेन वेज जिसके साथ तुम हवा में जी रहे हो इस हवा में, तो तुम्हारे सटलेस्ट लेयर पर शुद्धिकरण की घटना घटती है। सालों पहले मुझे याद है मैं वर्षा आंटी आई इस रिट्रीट में वर्षा प्रभु के साथ, कहाँ, ओके आपको भी याद ही होगा, मैं सालों पहले आपके साथ टी सीरीज की फैक्ट्री में गई थी। और वहाँ पर सालों पहले, मतलब मे बी 30 इयर्स पहले की बात है, तो फैक्ट्री के अंदर मुझे वो लोग हमें दिखाने ले गए थे कि क्या कैसे वीडियो कैसेट्स बनती है, तब वीडियो कैसेट्स का ज़माना था, तो वहाँ हमें दिखाने ले गए। और वो जो रूम था बड़ा सैनिटाइज्ड रूम था, उस टाइम हमारे लिए बड़ी अनएक्सपेक्टेड सी टर्म थी, आजकल तो बड़ी कॉमन हो गई है। तो सैनिटाइज्ड रूम वहाँ लिखा हुआ था, और उस सैनिटाइजेशन के लिए उन्होंने हमें चेंबर में डाला जहाँ चारों तरफ से इतनी तेज हवा आई, एंड वी वर क्लींस्ड एंड देन वी एंटर्ड एयर वॉश। इतने सालों पहले हमने ये घटना देखी है, जो वहाँ फैक्ट्री में तो टी सीरीज वालों ने बनाई होगी, लेकिन यहाँ स्वयं ईश्वर ऐसा आयोजन करता है कि तुम 4 महीने में शुद्धि की तरफ जाओ। बट प्रोसेस लाइज विद द गुरु, हर कोई नहीं शुद्ध होता। द वन हु अंडरगोज द प्रोसेस, दीज पीपल ओनली, दे विल फील अ डिफरेंट लेवल ऑफ शुद्धिकरण इन देम। तो कौन कौन से वॉश हुए? पहला अर्थ वॉश, दूसरा वाटर वॉश, तीसरा फायर वॉश, चौथा एयर वॉश। एक और वॉश होता है ईथर वॉश, स्पेस वॉश, और उस स्पेस वॉश के लिए आश्रम की हवाएं, द प्लेस, ऐसा एक स्पेस बनाया जाए। थैंक यू। एक ऐसा स्पेस क्रिएट करता है सद्गुरु, जिसे हम कहते हैं कॉन्सेक्रेटेड, प्रतिष्ठित, प्राण प्रतिष्ठित, वॉट एवर वर्ड्स यू वॉन्ट टू यूज, एनर्जाइज्ड। एक ऐसा स्पेस तैयार करता है हर समय और हर काल में अपना सद्गुरु, कि विच गिव्स यू द सटलेस्ट वॉश, दैट इज द स्पेस, द ईथर वॉश विच इज पॉसिबल, इन टू द प्लेस कॉन्सेक्रेटेड, प्रतिष्ठित, एनर्जाइज्ड बाय अ सद्गुरु, बाय अ लिविंग मास्टर। यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के स्तर का शुद्धिकरण होगा तो जीव का इस जीवन के अंदर परम अनुभव सुनिश्चित है, सुनिश्चित प्रयास है हमारा भी। ईथर वॉश, तुमने कल जगह तो देखी सबने, जितने लोग आए थे हमारे साथ भूमि दर्शन पर, आकाश क्यों हम ऐसा ढूंढ रहे थे? अगर हमें खाली कुछ 50 कमरे बनाने होते और हॉल बनाना होता, या दिल्ली के पास भी बना सकते थे, इजी इजंट इट, कन्वीनियंट होता, ट्रैवल कन्वीनियंस होती, एक्सपेंडिचर की कन्वीनियंस होती, हर चीज़ की कन्वीनियंस होती। वाई वी वर सर्चिंग सच ए लैंड, क्योंकि ऐसा आकाश चाहिए कि जहाँ पर एथरिक क्लिंजिंग होगी, स्पेशल क्लिंजिंग होगी, जहाँ ऐसा आकाश चाहिए हमें, वहाँ पर एनर्जाइजेशन हम करेंगे, लेकिन आकाश तो हो ऐसा, तो ऐसा आकाश ही मिला। वैसे बहुत जल्दी मिल गया, 11 महीने के अंदर, अब तो मैं 1 साल भी नहीं कहने वाली, 11 महीने के अंदर वैसा आकाश मिल गया विच कैन बी एनर्जाइज्ड। और तुम समझ भी पा रहे हो, दिल्ली का आकाश तो इतना पॉल्यूटेड हो गया है कि मैं कितनी भी एनर्जीज पंप करूँ ना, वो उसको
कहीं ना कहीं मेरा पलड़ा भारी होने ही नहीं देगा. लेकिन वहाँ का आकाश कितना सात्विक था, और उसमें भी वाय हिमालयास. पल्लवी प्रभु, आप लोगों को लगता होगा प्रभु जिद्दी कितने हैं, हिमालय चाहिए मतलब चाहिए. अब ये कोई कोई डेरी मिल्क चॉकलेट है कि जो लेके तुम्हें पकड़ा दी, हिमालय जैसी चीज चाहिए. कभी कभी तो शायद प्रकाश प्रभु, गौतम प्रभु, इन लोगों को भी लगता होगा कि हिमालय छोड़ दो बाकी सब दिला देंगे. थैंक यू गॉड, इन लोगों को कभी नहीं लगा, क्योंकि मैं भी हिम्मत हारती थी ना, तो ये दोनों हमेशा होते थे और घूमेंगे प्रभु और घूमेंगे. कारण क्या था, आप दोनों भी सुन लो, कारण क्या था. एयर वॉश तक पहुंचाना है तुम्हें, सदगुरु का काम है, और मैं अपना काम पूरा करके जाऊंगी यहाँ से. अब मैं बीच में तो रुकूंगी नहीं. पृथ्वी का वॉश हो गया, तुम्हारा वाटर वॉश भी हो गया. पृथ्वी वॉश हम लोग अध्यात्म में लेते हैं सत्संग से, तुम्हारी मोटी बुद्धि धोई. वाटर वॉश हम लेते हैं भक्ति से, तुम रोए थोड़े विरह में, मिलन में, ये सब वाटर वॉश होता है. फायर वॉश स्वराज क्रिया, फायर वॉश. एयर वॉश संयम. इन दीज फोर मंथ्स स्पेशली, ये जो 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 छोटे मोटे संयम मैं तुम्हें देती रहती हूँ, छोटे छोटे, मोटे नहीं, छोटे छोटे संयम देती रहती हूँ, वो सब तुम्हारे लिए एयर वॉश है. एंड देन कम्स द स्पेस वॉश. दिस इज द टफेस्ट वर्क. लेकिन अब अगर ईश्वर ने ऐसी जगह पर लाकर रख ही दिया है कि जहाँ एक गुरु होने के नाते मुझे अपना कार्य पूरा करना पड़ेगा, तो ठीक है. एक साल पहले ये निर्णय बना कि यस वी आर गोइंग टूवर्ड्स मेकिंग ऑफ दैट लैंड, के जहाँ लोग उस फाइनल वॉश तक भी पहुँच सके. खाली पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु के शुद्धि दी उतना नहीं, उसे एक स्टेप और आगे इन द फाइनल. उसके बाद तो कुछ है ही नहीं. जो फाइनल हमारा तत्व है, आकाश तत्व, उसकी शुद्धि. होता क्या है, जो भी जगह ऐसी हो जहां पर हिमालयस को छूकर हवाएं आती हो, हिमालयस दिखे ना दिखे, वेरी वेरी रूडिमेंट्री, बहुत छोटी बात है, लेकिन वो हवाएं डायरेक्ट हिमालयस को छूकर जहां पर आ रही है, वहां का आकाश कंटिन्यूअसली शुद्धिकरण में होता है, कंटिन्यूअसली. सो यहां पर अगर हम आश्रम बनाते तो मैं वहां एनर्जाइजेशन तो कर देती, मैं कॉन्सिग्रेशन तो कर देती, लेकिन उस स्पेस को अब तुम लोग आते कुछ भी उल्टा सीधा सोचते तो स्पेस में तो तुम्हारी सोच की वाइब्रेशंस रह जाती ना. एवरीथिंग इज अ वाइब्रेशन. तो उस आकाश प्रदेश में थोड़े थोड़ी तुम्हारी वाइब्रेशंस रह जाती, 10 साल में वो जगह भी बिल्कुल सामान्य बन जाती. लेकिन द प्लेस विच इज हैविंग द एयर्स टस्ट बाय हिमालयाज, वो डेली के डेली क्लींस होती है, डेली के डेली, या कहो मोमेंट टू मोमेंट क्लींस होती है. देयरफॉर इज इट, सो आप जितनी बार उस लैंड पर आएंगे आपको वहां शुद्धि फील होगी, आपको वहां नवीनता फील होगी. नहीं तो एक ही आश्रम पर जब आप साल में 5 बार आएंगे आपको सेम लगना चाहिए, लेकिन आपको यहां नहीं लगेगा, बिकॉज डेली क्लिंजिंग हो रही है और डेली एनर्जाइजेशन हो रहा है. वाह. सो आई एम ग्लैड कि वी इन 2021 हम लोग काफी सारी अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं. उसमें मेजर अनाउंसमेंट है कि हम लोग रेडी हैं अब अपने जीवन की नई धुलाई के लिए, ऐसा ही कहेंगे, अ न्यू वे ऑफ प्योरिफाइंग आवरसेल्फ. और उसी शुद्धिकरण का एक बेहतरीन ढंग, एक इनेविटेबल वे इस श्री गुरु प्रसादम. मुझे पता है कल तो तुम मुझे बोलने नहीं दोगे, सो लेट मी टॉक टुडे इटसेल्फ. ये गुरु प्रसादम कल से आप लोगों के पास भी आ जाएगा. पंचभूत की शुद्धि इसके अंदर है,
पंचभूत की, क्योंकि गुरु प्रसादम मेरे साधना रूम में एनर्जाइज होते हैं और माय रूम इज़ अ वेरी एनर्जाइज्ड प्लेस. जो लोग आए हैं उनको पता है. और वैसे तो अभी पार्थ प्रभु ने बोल भी दिया कि वी कैन नाउ विश फॉर एन एकर्स एंड एकर्स ऑफ योर रूम. यस इट इज़. जो भी प्रोजेक्ट आएगा वो ऐसा ही आने वाला है. इट इज़ एकर्स एंड एकर्स ऑफ एक्सपेंशन ऑफ माय रूम ओनली. तो मेरे रूम में रहकर ये एनर्जाइज हुआ है. पृथ्वी तत्व यानी मेरी साधना रूम का स्पर्श इसको मिला है, इस गुरु प्रसादम को. जल तत्व, इसके अंदर मेरी भक्ति प्रवाहित है, यानी नौ के नौ भक्ति जो मैं कहती हूँ गुरु तत्व में होती है वो इसके अंदर हमने प्रवाहित करी है. अग्नि तत्व, मेरी साधना की ऊर्जा इसमें प्रवाहित है, क्योंकि एनर्जाइज होते हैं ये सब मेरे साधना रूम में. तीन दिनों तक, दिन रात तक रहकर एवरी सिंगल पीस इज एनर्जाइज्ड, एवरी सिंगल. और मैं इतना ध्यान रखती हूँ कि मेरे एनर्जाइज कर लेने के बाद ये मिनिमम ह्यूमन कॉन्टैक्ट में आता है. इसलिए राज परिवार को पता है, उन्होंने देखा है, एक एक गुरु प्रसादम मैं अपने हाथ से पैक करती हूँ, एक एक गुरु प्रसादम. जितना प्यार तुम्हें है ना मुझसे, उससे कई गुना ज्यादा है. बस मैं अभिव्यक्त नहीं कर पाऊंगी. आज भी थोड़ी हड़बड़ी थी, मतलब कुछ लोग यहाँ पर लेने आए थे, डिलीवरीज करनी थी. तो गौतम प्रभु ने कहा मैं कर दूँ. मैंने कहा नहीं, आई कैन गिव हिम बट नहीं. मैंने कहा गुरु प्रसादम, आई डोंट वॉन्ट इट टू बी टच्ड बाय अदर्स. तो मैं ही उसको एक एक, आज भी जो लेने आए हैं यहाँ नीचे, उन सबको भी अपने हाथों से पैक करके दिया है. जस्ट बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू कॉम्प्रोमाइज विद द एनर्जी क्वालिटी ऑफ दिस प्रसाद. और इस बार मैंने स्वराज क्रिया लीडर्स के लिए इसे 7 times ज्यादा एनर्जाइज किया है. 7 times. यस, क्योंकि मैं जीवन के एक अगले कार्य की तरफ आगे जा रही हूँ. आई एम ऑक्यूपाइड फॉर मोर डिफरेंट वर्जन्स ऑफ विजन्स ऑफ माई लाइफ. मेरे को वहाँ जाके पत्थर नहीं तोड़ने, मेरे को कुछ बनाना नहीं है. बट आई एम फोकसिंग ऑन द लेवल ऑफ एनर्जीज नाउ विच विल अलाउ एवरीथिंग टू हैपन फ्लॉलेसली. तो मैं चाहती हूँ कि मेरे स्वराज क्रिया लीडर्स जो है ना, दे टेक दैट मशाल, क्या कहेंगे उसको, टॉर्च, क्या, टॉर्च बेयरर, ओके. जो एनर्जीज को आगे हमारे साधकों में डालने का काम है, जो एक ग्रॉस टू सटलर लेवल की एनर्जीज को डालने का काम है, वो मेरे स्वराज क्रिया लीडर्स करेंगे. आई वॉन्ट देम टू बी फुल्ली प्रिपेयर्ड. I want them to be 7 times more energized. Are you ready? अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाओ स्वराज क्रिया लीडर्स. I want to see, yes, the new ones also. I bless you, but साथ ही साथ पीछे मुड़ो, अपने लोगों को भी कहो कि वी टेक द ओथ टू टेक यू अ जर्नी, ऑन दिस जर्नी अ स्टेप अहेड. टेल देम. हाथ ऊपर करके टेल देम दैट वी आर देयर फॉर यू. थैंक यू सो मच. बैठो. कल आपको मैं ही बांधूंगी और उसके बाद आप सबको बांधेंगे, ठीक है? बी रेडी. कल तो नाचो कूदो धूम मचाओ. That's it. Make the journey enjoyable for everyone. किसी को डरा धमका के खबरदार चलाया है तो. जैसे मैंने तुम्हें नाचते गाते तक चलाया है ना, ऐसे ही तुम्हें भी चलाना है. एंड
बस ऐसा ही सोचो जब तुम किसी से बात कर रहे हो, ऐसा ही सोचो कि श्री गुरु इज टॉकिंग थ्रू मी, श्री गुरु इज टॉकिंग थ्रू मी. तब तुम्हारी स्मरण भक्ति ऑन इट्स पीक होनी चाहिए. ओके, सो मैं कुछ दूसरे काम में जा रही हूँ, मैं एनर्जीज को दूसरी तरफ मोड़ रही हूँ. उस दरमियान आई एम श्योर माई लीडर्स आर गोइंग टू टेक द चार्ज. कुछ लीडरशिप्स हमने अभी चेंज भी की हैं और कल के दिन में कुछ और चेंजेस आएंगे. तो जो भी लीडर्स आपके आ रहे हैं, डोंट टेक देम एज इन नेम एंड फॉर्म, टेक देम एज अ मिनी एनर्जी पैकेट ऑफ श्री गुरु. एमईपी चिप है ये, यू नो, एमईपी चिप, मिनी एनर्जी पैकेट. ये चिप है जो इन लोगों के थ्रू आप लोगों के जीवन में कार्य करेगा. लव देम, रिस्पेक्ट देम, डोंट बी स्केयर्ड ऑफ देम, शेयर योर गुड्स एंड बैड्स विद देम. वो जब बात करने हैं तुम्हें फ़ोन करते हैं, उनसे बात करो. काफ़ी जो चेंजेस होने जा रहे हैं, हम लीना प्रभु के सारे हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. अभी हमने नए अनिल प्रभु को अपॉइंट किया है, पल्लवी प्रभु को अपॉइंट किया है, और लीना प्रभु के जितने भी लोग हैं वो सभी दूसरे सब ग्रुप लीडर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे बिकॉज ऑफ अवर पर्सनल चैलेंजेस. बट यू मस्ट वेलकम ऑल ऑफ योर लीडर्स विद वेरी वेरी लविंग हार्ट बिकॉज दे आर कैरिंग द टॉर्च नाउ. और तुम्हें भी उस बेंचमार्क को पकड़ के रखना होगा. ओके, मुझे आकाश तैयार करना है, तुम आकृतियों को तैयार करो, ठीक है ना? और उसी को करते करते हम सब इस जीवन के परम उद्देश्य को पूरा कर लेंगे. बात आती है अब संयम की. सो वी आर रेडी फॉर 4 मंथ्स संयम नियम. चातुर्मासिक नियम, संयम. मैंने नियम वर्ड भी इस बार हटा दिया है, संयम लिख दिया है. नियम में थोड़ी घुटन होती थी, इज़न्ट इट? संयम के अंदर एक उत्साह है. अरे SRM का एक पिलर है ये, संयम में आना है. क्यों क्यों आना है संयम में? नाउ यू हैव ऑल द मोर रीजन, इज़न्ट इट? बिकॉज यू आर एंटरिंग इनटू एयर वॉश. यस, ड्राई क्लीन वालों के पास एयर वॉश ही होता है. ऐसा USA में तो कुछ ऐसा ही होता है, एयर वॉश. तुम इन 4 महीनों के लिए एयर वॉश में प्रवेश कर रहे हो, ऑल द मोर रीजन. चातुर्मास काल, और इस बार है 15 नियम. पिछली बार 14 थे, इस बार एक ही बढ़ा रही हूँ. हाउ काइंड योर गुरु इज, इजंट इट? हाउ काइंड. ये तो कुछ ऐसा हो गया कि कोई तुम्हारा बॉस आके तुम्हें कहे कि तुम्हारी सैलरी 1 लाख के बदले 10 लाख हो गई अब, और तुम्हारा काम 30 मिनट्स बढ़ाया है. बताओ, ये ऐसा ही हो गया कि तुम्हारी क्लिंजिंग उस लेवल पर जा रही है कि जहाँ नवद्या भक्ति तुम्हें प्रकट होगी, लेकिन साथ में नियम संयम का हो तो एक ही बढ़ाया है. और उसमें भी एज ऑलवेज आई एम सो कंसिडरेट, या ऐसा कहूँ आई एम, मेरा दिल इतना बड़ा है, हाँ कि नहीं? इतना बड़ा है कि मैं अभी भी तुमसे यही कहूँगी कि 15 नियम है तो ये 15 के 15 करने की ज़रूरत ही नहीं है. अब इसके लिए भी ताली बजा लो, बजाओ, नहीं ज़रूरत ही नहीं है. आई हैव दैट, वो क्या होता है कि सिलेक्ट एनी 2, 5 में से सिलेक्ट एनी 2 क्वेश्चंस. सो हमारा भी यही है. अब सी नौ, ये चीज़ मैंने आप पर छोड़ दी है. 15 नियम में से 10 नियम, 10 नियम ही है जो आई एक्सपेक्ट कि तुम 4 महीने तक करो. और 10 में से भी तुम देखोगे 6 तो तुम कर ही रहोगे, 4 को ही कहीं ना कहीं जगह में डालना होगा. तो तभी वो 4 को डालोगे, तभी तो तुम्हारी वो अर्चन भक्ति शुरू होगी, इज़न्ट इट? सो 15 नियम है, उसमें से तुम 10 भी कर रहे हो, फाइन, यू आर ब्रशिंग योर भक्ति, यू आर इंटेंसिफाइंग योर भक्ति, ठीक है? वी कैन स्टार्ट. 15 में पहला आप दिखा भी सकते हैं, इसके PDFs भी आ जाएंगे, ये हमारी वेबसाइट पर भी आ जाएगा. ओके,
पहला स्वराज क्रिया. चलो एक तो बचा, हो गया, ये तो हो कर ही रहे हैं हर कोई. दूसरा त्रिमंत्र धुन, इसका लॉन्च कल है. सहजात्म स्वरूप परम गुरु, परम गुरु निर्ग्रंथ सर्वज्ञ देव, आत्म भावना भावता शिव लहे केवल ज्ञान रे, इसका कल लॉन्च है. अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसको 10 मिनट दिन में गाना चाहते हैं, 5 मिनट एक दिन में गाना चाहते हैं, या 5 मिनट इन अ वीक. वाओ, ऐसा दिलदार कौन होगा एक वीक में खाली 5 मिनट बस. लेकिन आई वॉन्ट यू टू बी इन द चैनल, दैट्स इट. तुम इसमें से कुछ भी चूज करते हो, तुम आज्ञा में हो, और जो आज्ञा में है उसका भक्ति भाव हमें इंटेंस करना है, इतनी ही बात है. त्रिमंत्र धुन अवनीश प्रभु ने बहुत ही सुंदर ढंग से गाया है, और ये 3 मंत्र की धुन तो यू नो इट इज सो डियर टू अवर हार्ट, दे आर ऑलमोस्ट अ मेडिटेटिव धुन्स. लेकिन इस बार मैं तुम्हें छूट भी दे रही हूँ कि तुम इसे चलते फिरते भी गा सकते हो. मतलब तुम कुछ काम कर रहे हो किचन में तो तुम उस मंत्र धुन को चला सकते हो. आप ड्राइव कर रहे हैं, 1-2 घंटे की ड्राइव है, आप इसे रिपीट पर डालकर चला सकते हो. ठीक है, तो इट इज़ दिस टाइम इट इज़ अलाउड. दोनों धुन, दो धुन आएगी एक और आएगी, यू आर अलाउड टू हियर इट एज एन व्हेन यू नीड. तीसरी है विचार शुद्धि की धुन. जो सहजात्म की धुन है वो तुम्हारी इनर वाइब्रेशंस को क्लीन करेगी, और जो दूसरी अनादि निर्गुण की धुन है वो तुम्हारे घर की वाइब्रेशंस को प्योरीफाई करेगी. सो तुम्हारा आंतरिक वॉश भी होगा और तुम्हारा बाह्य वॉश भी होगा, दोनों क्लिनजिंग के लिए. सो अनादि निर्गुण धुन तो मैं रिकमेंड भी करूँगी कि आप घर में चलाकर छोड़ दो. आप कुछ भी काम कर रहे हो, लेट योर हाउस बी चार्ज विद दीज 10 वर्ड्स, अनादि निर्गुण अविनाशी अकर्ता अलिप्त, ये 5 वर्ड. तो दूसरी तरफ शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुखधाम, इन 10 वर्ड्स को क्लब कर दिया गया है. और ये धुन जब दिन में भी तुम्हारे घर में कहीं पर भी चलती रहे, जैसे हम लोग कभी किसी शोरूम में जाते हैं वहाँ गणेश पाठ वगैरह चलते रहते हैं, ऐसे तुम अपने ऑफिस में, अपने वर्क प्लेस में, अपने घर में, कहीं पर भी इस धुन को चला सकते हो. मतलब ये तुम्हारे दिल से आना चाहिए. अब तुम लोग कल को घर जाओ और अपने हस्बैंड के गन पॉइंट पर उसे बोलो कि अब से आज से ऑफिस में चलानी है, नॉट लाइक दिस. मेक श्योर कि जबरदस्ती कुछ नहीं करना, तुम्हें रहे कि यस दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू एनर्जाइज एंड प्योरीफाई माई द वाइब्रेशंस ऑफ माई हाउस एंड ऑफिस, तो ये चलाई जा सकती है. इसको इसी तरह से डिज़ाइन किया है, इसको छुपा के रखने की ज़रूरत नहीं. स्वराज क्रिया छुपा के रखनी है, लेकिन दोनों धुन, त्रिमंत्र धुन और शुद्धि धुन, ये दोनों धुन को आपको यू कैन यूज़ इट इन एनी वे. 10 मिनट पर डे, 5 मिनट पर डे और 5 मिनट्स पर वीक. ये कुछ गलत तो नहीं लिख दिया पार्थ तुमने, 5 मिनट्स पर वीक, 50 के बदले 5 लिख दिया हो. ठीक है, ठीक, ऐसा ही मैंने ही रखा है, ही इज नॉट टू बी ब्लेम्ड फॉर. चौथा, यस द मेजर थिंग, तुम्हारे दिमाग का तो काफी कचरा गया है, शुद्धिकरण हुआ है, अब बारी आती है तुम्हारे शरीर के शुद्धिकरण की. कोई ही ऐसा होगा उल्टा गुरु, लेकिन सदगुरु ऐसा ही होता है. पहले तुम्हारे मन के स्तर पे तुम्हारी शुद्धि करता है, अब तुम्हारे शरीर के स्तर पर शुद्धि करना. एंड फॉर दैट वी विल बी लॉन्चिंग योगा योग टुमारो. योगा योग, सेवन वीडियोस. वैसे सब लक्षिता प्रभु की सेवा है लॉन्च करने की. कहाँ बैठी है लक्षिता प्रभु? हाँ, पर थोड़ा तुम्हारा काम मैं भी कर देती हूँ, तो तुम्हें इजी रहेगा. कल लोग पहले से ही उत्साह में होंगे. 7-7 वीडियोस आने वाली. हाँ, ये भी बता दूँ कि ये 7 तो कल की कल नहीं आएगी, ऐसा है ना, कल 2 आएगी. अब देखो, मुझे तो हर किसी के प्रेशर में जीना पड़ रहा है, दबाव में, प्रेशर मतलब. अब वो डिजिटल सेवा टीम ने ऐसा बोल दिया, केयूर प्रभु पता नहीं कितना सच है कि गलत है, लेकिन ये डिजिटल टीम मेरे को हमेशा प्रेशर में रखती है कि एक साथ सारा हम यूट्यूब पे नहीं डाल सकते, वो व्यूअरशिप के अंदर गड़बड़ हो जाती है. तो हम 2-2 दिन में, 3-3 दिन में, 3-3 दिन बाद हम 2-2 वीडियोस लॉन्च करेंगे. धुन हम एक अभी करेंगे, एक हफ्ते, अगले हफ्ते करेंगे. अरे ये क्या है,
मैं जब पूरा का पूरा बुके दे रही हूँ तुम्हें, तो तुम क्यों एक एक फूल एक एक निकाल निकाल के बांटना चाहते हो? लेकिन अब ये डिजिटल वाले में और एक्चुअल गुरु में यही फ़र्क होता होगा, पर आजकल डिजिटल वाले मेहनत बहुत कर रहे हैं और बड़े उपयोगी हैं, तो मैंने कहा ठीक है जैसा तुम्हें ठीक लगता है करो। तो दो दो वीडियोस कहना मुझे यही है तुम्हें कि दो दो वीडियोस करके आएंगी। तुम कहोगे प्रभु ने प्रॉमिस तो 7 वीडियो का किया था और हमारे साथ तो धोखा हो गया, मिले तो दो ही हमें। नहीं, दो दो या तीन तीन चार चार दिन के गैप पे आएगा। मतलब कल हम लोग डजन चीज़ें लॉन्च कर रहे हैं, 12 पूरी डजन। लेकिन तुम्हें धीरे धीरे फिल्टर होकर वो डिजिटल टीम जिस तरह छलनी में डालेगी तो निकल निकल कर आएगा तुम्हारे पास। हर दो तीन दिन में कुछ कुछ आता रहेगा। ओके, योगा योग, योग भी ध्यान भी, वेरी ब्यूटीफुल वेरी थॉटफुल वीडियोस डन बाय अन्नू प्रभु एंड तन्वी प्रभु। कहाँ है तन्वी? वेयर इज तन्वी सिटिंग? हाँ, तुम तो दिख भी नहीं रही हो। ओके, वेरी वेरी वेल डिजाइंड, वेल थॉट, वेल परफॉर्म्ड, वेल गाइडेड, सब कुछ। वो तो कल आएगा और आप लोग देखेंगे। बट यस, कल सुबह का योगा योग मैं करा रही हूँ, भी है यहाँ पर आ जाना। ओके, इसमें भी जैसा कि मैंने बताया कि हर टाइम ड्यूरेशन के वीडियोस बने हैं, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60 अलग अलग ड्यूरेशंस के वीडियो हैं। 1 hour पर डे, 30 minutes पर डे या 15 minutes पर डे। जगप्रीत कहाँ बैठा है? इसके साथ ही मुझे जगप्रीत याद आता है। ठीक है, 15 minutes पर डे तुम्हारी तरफ से मैं टिक कर रही हूँ। ठीक है, यू हैव टू चूज। इसके अंदर कोई दूसरी ऐसी चॉइस नहीं है कि वीक में एक बार कर लिया। नो, तुम कब्र में भी जा रहे हो ना, तो बोलना कि योगा योग बाकी है, मैं करके आता हूँ। ओके, बिकॉज तुम्हारे शरीर के तमस को हटाना है। और अब मेरी इस बात को बहुत लिटरली मत लेना कि कब्र में भी जा रहे हो। आई मीन के एज लॉन्ग एज यू आर हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज, तब तक तुम्हें योगा योग करना है। हाँ, इन फीवर, इन एनी एक्यूट कंडीशंस, इट्स ओके। शरीर के तमस को हटाना है। मन का तो तुम्हारा तमस गया है, यू नो व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, मन में विवेक आया है। लेकिन मन के विवेक को भी शरीर रोक देता है कभी कभी। कितनी बार तुम्हारा मन जानता है कि ये नहीं खाना चाहिए, तुम्हारा मन जानता है ये नहीं बोलना चाहिए, लेकिन शरीर की क्रेविंग ऐसी होती है कि जब तक खाना लो ना तब तक शरीर शांति नहीं बैठता। ऐसा फील किया है कि नहीं? ये शरीर की क्रेविंग इज अ तमस ऑफ शरीर। ये पता है कि सही क्या है और गलत क्या है, ये बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, फिर भी गलत बोल जाते हो। दिस इज अगेन द फैकल्टी ऑफ स्पीच, इजंट इट? 5 organs ऑफ एक्शन और 5 organs ऑफ परसेप्शन है, तो उसमें स्पीच इज ऑल्सो एन ऑर्गन। तो तुम्हारे उस ऑर्गन की जो शक्ति है ना, वो कम है, वो तमस में है, उसको हमें सक्रिय करनी है। सो वो सारा योगा योग के माध्यम से होगा। एंड मैनी ऑफ यू विल हैव अ फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस टुमारो विथ मी। 5th नियम है प्रातःकालीन देववंदन। डेली करो, 3 days इन अ वीक या 1 day इन अ वीक। इवन इस बार मैं आपको ये भी छूट दे रही हूँ कि अगर आपको 7 to 9 के बीच में टाइम नहीं है तो आप उसको आधा 1 to 2 hours पहले या बाद में भी कर सकते हो, बट डोंट मिस इट अगर आपका डेली का नियम है तो। अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो ट्रेन में, गाड़ी में भी कर सकते हो, मूविंग व्हीकल्स में भी, यू कैन डू इट। अभी आप लोगों ने तो खैर देववंदन किया ही था मेरे ख्याल से ट्रेन में। कौन बता रहा था मुझे? श्वेता प्रभु ही बता रही थी कि देववंदन किया ट्रेन में, कर सकते हैं। नाउ देयर इज नो इशू, आप लोग वहाँ पर दिए की भी ज़रूरत नहीं है, आप आराम से अपना देववंदन करें। घर पर कर रहे हैं तो ज्योत के सामने करें, प्रेफरेबल है। लेकिन घर पर भी ज्योत नहीं है तो कोई बात नहीं, बिना ज्योत के भी चित्रपट के सामने देववंदन कर सकते हैं। 6th नियम है सायंकालीन देववंदन। रोज करें, 3 days अ वीक या 1 day अ वीक। 1 day अ वीक तो हो ही सकता है ना, पार्थ से पूछना चाहिए तो मुझे। 1 day अ वीक तो सायंकालीन देववंदन हो सकता है ना,
ये सब सेवा में इतने बिजी होते हैं ना कि सेवा के नाम पर संयम को धोखा देते हैं. बट यू हैव टू टेक, और 15 में से 10 ही, 15 में से. जोर से गला नहीं हिल रहा तुम्हारा? हाँ ठीक है. 7th इज मौन. इस मौन के अंदर ध्यान, स्वाध्याय आदि के समय में लिया जा सकता है. सो अगर आप कुछ सत्संग कर रहे हैं, मौन लेकर कर रहे हैं, हो सकता है. अभी आज अपूर्व अवसर का पेपर लॉन्च होगा, तो उसकी स्टडीज आप मौन में कर रहे हैं, इट कैन बी काउंटेड. 1 घंटा डेली, 30 मिनट्स पर डे, 30 मिनट्स इन अ वीक. मुझे लगता है लास्ट कॉलम ना हमने यूथ को देख के ही बनाया है. 30 मिनट इन अ वीक. और ये यूथ खास समझ ले कि सोने के टाइम को नहीं माना जाएगा. सोने के टाइम को तुमको प्रभु इस बार सब चला रहे हैं, तो शायद ये भी चला लेंगे कि कृति सोने के टाइम में मौन नहीं माना जाएगा. ओके. 8th इज भोजन की द्रव्य मर्यादा. एक ग्रुप है 15 पूरे दिन में, 15 द्रव्य, या फिर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के 3, 6 और 4, यू चूज व्हाट एवर यू वांट. दूसरा ग्रुप है 20 पर डे, या फिर 4, 7 एंड 5, व्हाट एवर. ब्रेकफास्ट में 7 लेने तो भी चलेगा, अमेरिकन ब्रेकफास्ट. तुम्हें लंच में 4 लेने तो भी चलेगा, बट 4, 7, 5 एज 3 मील ऑप्शन, या फिर 3, 6 एंड 4 एज 3 मील ऑप्शन. और एक थर्ड ग्रुप है 30 पर डे. ये तो इनको मैं संयम में भी क्या डालूं, पर तुम सोचो कितना बड़ा दिल है कि ये भी संयम में. एटलीस्ट तुम किसी मर्यादा में तो आए. किसी भी, डजेंट मैटर कि तुम एकदम फेंस के पास खड़े हो या तुम आइडल के पास हो, डजेंट मैटर. एटलीस्ट यू आर इन दैट ईथर, यू आर इन दैट स्पेस. दैट इज इटसेल्फ मोर देन एनफ. नहीं, नॉट मोर देन एनफ, दैट इज गुड फॉर यूथ, जो लोग बिजी हैं. लेकिन जो लोग भी ऊपर बैठे हैं ना, इन सब से तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि यू हैव टू टेक द मैक्सिमम वन. ओके. क्योंकि अगर जीवन में और कोई काम नहीं है तो इस काम को त्वरा से करो. आगे आता है आहार का मौन. 1 मील पर डे, 3 मील्स पर वीक, या 1 मील पर वीक, वॉट एवर. बहुत ईजी नहीं है, सो कंसिडर इट. एंड आराम से मैं चाहती हूँ कि तुम लोगों को ये भी रहे कि हम नियम में भी हैं, और तुम्हें ये भी रहे हम आज़ाद भी हैं. पीता भी रहूँ, प्यास भी हो, ये वो वाले काम हो गया. आगे सत्संग, नियम, वॉचिंग, राइटिंग, रीडिंग, कुछ भी काउंट होगा इसमें. तुम ब्लॉग्स रीड कर रहे हो वो भी सत्संग में आएगा. 1 आवर पर डे, 30 मिनट्स पर डे, 30 मिनट्स पर वीक, चेक इट. 11th नया है एक मंत्र लेखन. मुझे ये चाहिए भूमि पूजन के अंदर मंत्रों की आहुति. भूमि पूजन में भूमि दर्शन तो कल हो गया, होपफुली 4 महीने के अंदर सारी पेमेंट्स क्लियर करके सारा हम लोग लैंड को SRM के अंदर रजिस्टर कर देंगे. सो एज सून एज दैट डील इज, मतलब अब सब कुछ ऑफिशियल हो जाएगा, लैंड इज ऑन SRM नेम, इमीडिएटली हम लोग भूमि पूजन करेंगे. पहले के समय में कहते थे कि भूमि पूजन के अंदर सुवर्ण डालना चाहिए, सोना धातु, और वो भी जो सबसे प्रिशियस धातु हो वो डालना. लेकिन अध्यात्म में मैं ऐसा नहीं मान रही. तुम्हें सोना डालना ही है तो कॉन्ट्रीब्यूशन में डालना, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. लेकिन जब हम भूमि पूजन करेंगे और शिलान्यास करने जा रहे होंगे, उस समय मुझे लाखों मंत्र की वहां पर आहुति चाहिए. लाखों मंत्र, दैट आई वॉन्ट फ्रॉम यू. सो काउंट भी किया, गौतम प्रभु को बिठाया, काउंट भी करवाया कि हमें इतने लाख मंत्र चाहिए. और सीइंग द साइज ऑफ अ ग्रुप, हमने इसको भी डिवाइड करके यहाँ पर लिखा है. एक है कि आप देखिए, आपके पास समझ लो 4 ही महीने हैं, क्योंकि होपफुली हम लोग कार्तिक की पूनम के आसपास कहीं ना कहीं भूमि पूजन ले लेंगे. तो 4 महीने में आपको
5000 जाप लिखने हैं या 3000 या 1000, चॉइस रिमेन्स योर्स. अगर आप 5000 लिखना चाहते हैं तो 50 पर डे लिखने हैं, 3000 तो 30 पर डे और 1000 तो 10 पर डे एवरेज. बाकी किसी दिन तुम खाली हो कुछ भी लिख लो. मिनिमम जो भी आपको ठीक लगता है, आपको दो डिफरेंट इंक से लिखना है इसको. ओम नमो भगवते माँ आद्य शक्ति रूपा, प्रेफरेबली ब्लैक बट अदरवाइज कुछ भी. और दूसरा ओम नमो भगवते परम कृपालु सदगुरु देवाय. ये दो का जाप और दोनों अलग अलग कलर से, एक ब्लैक है तो दूसरा रेड हो. एंड इट हैज टू बी कॉन्स्टेंट. अगर आपने ब्लैक और रेड का कॉम्बिनेशन लिया है तो इट हैज टू बी ब्लैक एंड रेड. अगर आपने ब्लू एंड ग्रीन लिया है तो ब्लू एंड ग्रीन, वॉट एवर इज योर चॉइस. ठीक है, दो ही कलर से कोशिश करके, अब मैं इसमें आपको कंपलसरी नहीं कह सकती पर फिर भी कोशिश करके इसे एनवायरमेंट फ्रेंडली पेजेस पर लिखना है. एनवायरमेंट फ्रेंडली पेजेस तुम्हें मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा, वरना इफ SRM कैन हेल्प इन इट, हम लोग यहाँ पर भी लाकर रख सकते हैं. लेकिन ये तो आई विश के बहुत जल्दी शुरू कर दें आप लोग इसको. 4 महीने के अंदर हमें लाखों जाप चाहिए जो उस भूमि के अंदर हमें नीचे गाड़ने हैं, डालने हैं. सोना चांदी नहीं गाड़ना, मुझे अध्यात्म गाड़ना. पूरे भाव से करना और इसी समय में मौन ले लेना, मेरे ख्याल से ये बेस्ट थिंग है. दो ही चीज़ें मुख्य, दो कलर से लिखना है एंड द कलर स्कीम हैज़ टू बी कॉन्स्टेंट. नंबर 2, एनवायरमेंट फ्रेंडली पेजेस पर लिखना है. और ये भी ध्यान रखना कि आप पेजेस ज़्यादा वेस्ट नहीं कर रहे, मतलब इतने से पेज में लिखा और इतना खाली छोड़ दिया, वो मत करना. वी लव एनवायरमेंट बिकॉज दैट इज़ अवर मदर, इज़न्ट इट. मदर नेचर से मिल रहा है सब कुछ. तो ऐसे पेजेस करना जहाँ ख़त्म किया वहीं नीचे से शुरू कर दिया. पूरी कॉपी तुम्हारी कोई खोले, पेजेस खोले तो वहाँ पेज ना दिखे, खाली मंत्र दिखे, ऐसा कुछ कर लेना. डोंट वेस्ट एनी सिंगल पेज. एंड आई विल ट्रस्ट यू, तुमने कहा 5000 है तो मैं उसे 5000 में डाल दूंगी व्हेन वी विल रिसीव इट. क्योंकि वैसे तो लाखों करने हमें पता चल ही जाएगा हो गया, लेकिन फिर भी तुम अपनी कैलकुलेशंस अपने पास रखना, पीछे कहीं लिख देना कि हमने इतने हज़ार जाप लिखे हैं. 5000 मिनिमम है, किसी की स्पीड ज़्यादा है वो 10000 कर सकता है, करो. बट 5, 3 and 1, इज दैट ओके? सो तुम्हारी आश्रम की भावना रोज तैयार होगी, रोज. आप कॉन्ट्रीब्यूशन तो साल में 3 बार दे पाओगे, या आप आश्रम विंडो तो अभी हम लोग पर्यूषण में खोलने का प्लान कर रहे हैं तो 1 बार खुलेगी आश्रम विंडो, लेकिन ये तो आप डेली कर पाओगे ना. तो पूरे भाव के साथ ये योगदान और ये सहयोग तो मुझे ज़रूर देना. और हर कोई कर सकता है, डोंट टेल मी कि हम क्या करें. हजारों जाप तुम लिखो चलो, तुम्हें पैसे नहीं है कोई बात नहीं, तुम्हारे पास शक्ति नहीं है कोई बात नहीं, तुम्हारे पास समय नहीं है हमारे पास आने का कोई बात नहीं, तुम्हारे घर के लोग तुम्हें रोकते हैं कोई बात नहीं, तुम घर पर बैठ के ये तो कर सकते हो ना. तो बस ये सहयोग मुझे तुमसे अपेक्षित है एंड आई एम गेटिंग इट इन लैक्स. आगे चलते हैं 12th भक्ति नियम. अब ये तुम्हारी गाने की भक्ति है, पद गाओ, मंगल मैत्री गाओ, अपूर्व अवसर जो गाना है, 1 घंटा पर डे, 30 मिनट्स पर डे, 30 मिनट्स पर वीक, वॉट एवर योर कन्वीनियंट टाइम इज. रात्रि का क्रम, तीनों पाठ बोल के सोना है. वैसे तो भी सब नियम में ही आ गया होगा, रोज रात को सोने से पहले बोलना ही है. 3 दिन अ वीक, 1 डे अ वीक. 4th नियम, नो स्क्रीन, फ्लाइट मोड्स अलाउड है और मुझे लगता है स्वराज क्रिया में भी आप काउंट कर सकते हैं. 30 मिनट्स पर डे फ्लाइट मोड, 20 मिनट्स पर डे या 10 मिनट्स पर डे, अगेन ये भी कंपलसरी है. दिन में 1 बार तो नो मोबाइल, डिजिटल स्क्रीन से दूर हो जाने की कोशिश करो. 15वां है ब्रह्मचर्य पालन. और मुझे बहुत खुशी है कि इस बार लोगों ने अलग अलग ढंग से आकर, जो कपल्स हैं उन्होंने मुझे, कितनों ने ईमेल्स डाला है, कितनों ने मुझे इस समागम में कल और आज के बीच में भी मुझे 4-5 कपल्स आकर बोल कर गए कि प्रभु इस बार हम 4 महीने का ब्रह्मचर्य नियम लेना चाहते हैं. माई एनर्जीज एंड माई ब्लेसिंग्स आर विथ यू. ज़रूर करें, बहुत शक्ति का संचय होता है.
और जब शक्ति का संचय होता है, शक्ति इकट्ठी होती है, जो शक्ति हम भोग के माध्यम से व्यर्थ गंवा देते हैं, जब वो संग्रहित होती है हमारे शरीर में, तो होता क्या है? अब तुम्हारे स्वराज क्रिया करने के कारण एनर्जी चैनल्स खुल गए हैं, सक्रिय हो गए हैं। तो जहाँ वो संचय होगी, एनर्जी इकट्ठी होगी, वहीं वो ऊपर चढ़ना शुरू कर देगी। और जहाँ वो ऊपर चढ़ेगी तुम्हारे स्पाइनल कॉर्ड से, वहाँ एक एक चक्र को क्लींस करते करते तुम्हारे पूरे दृष्टिकोण को बदलने का कार्य करेगी। सो ट्राई इट, ब्रह्मचर्य पूरे 4 महीने ले सकते हो। वेरी गुड, आई सैल्यूट योर प्रोमिसेस, आई सैल्यूट योर संयम। नहीं तो 4 days a week कोशिश करो, नहीं तो 10 days a month। चलो तुम बहुत छोटे हो, अभी नई नई शादियाँ हुई है, तुम इसको ज़्यादा नहीं ले सकते, लेकिन फिर भी 10 days in a month अगर इतनी भी संयम में आते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और शर्माना मत, मुझे डालना कि बीइंग अ न्यूली मैरिड, बीइंग मैरिड सिंस पास 3-4 years ओनली, वी आर स्टिल टेकिंग द ग्रुप सी, 10 days in a month, आई विल बी मोर देन हैप्पी, मोर देन हैप्पी। ये बहुत बड़ी तुम्हारी तरफ से मुझे गिफ्ट होगी। So all 15 नियम्स आर क्लियर। एनी कन्फ्यूजन, तुम हो तो कन्फ्यूजन की खान जा रहे हैं, कुछ हो तो अपने लीडर से पूछना, और अपने लीडर्स पर ना ज़्यादा काम डालना। टेस्ट योर लीडर्स, आर दे 7 times more energized now? टेस्ट योर लीडर्स, ओके? सो इफ एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क देम। नाउ कम्स अपूर्व अवसर पेपर। ओके, सो दिस इज बेसिकली अ सेल्फ स्टडी कोर्स, सेल्फ स्टडी का कोर्स है ये प्रॉपर। तुम्हें पूरी अपूर्व अवसर की बुक जो हमने लिखी है उसके बेसिस पर इसके आंसर्स लिखने हैं। एवरीवन शुड हैव देयर पर्सनल बुक्स, इधर उधर से नहीं कि अब हस्बैंड ने ली है तो वाइफ उसमें से चला ले, नहीं। सेल्फ स्टडी कोर्स है ये, और मैं अभी से तुम्हें बता रही हूँ कि मेडिटेशन सेंटर भी जब अपना कैंपस बन जाएगा वहाँ पे कंटिन्यूसली ऐसे सेल्फ स्टडी कोर्सेज चलते ही रहेंगे। थॉरो अंडरस्टैंडिंग, सरफेस लेवल की अंडरस्टैंडिंग नहीं, थॉरो, अभी इन एंड आउट ऑफ अपूर्व अवसर यू शुड नो। आगे जाके जो मैं किताब लिख रही हूँ अभी आत्मसिद्धि पे, इट इज़ अ बिग वॉल्यूम, आगे जाके जो हमारा सेंटर होगा वहाँ पूरा आत्मसिद्धि के अंदर ऐसे 12 पेपर निकलेंगे, अभी तो ये एक पेपर है, आत्मसिद्धि पर ऐसे 12 पेपर्स निकल कर आएंगे, जस्ट टू टेक यू इन द जर्नी ऑफ थॉरो स्टडीज। इजंट इट एक्साइटिंग, थॉरो स्टडीज। सो दिस इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, जो आगे जाके भी आने वाले हैं, ये पहली प्रतियोगिता है और बड़ी प्यारी है। ये मैंने बहुत ईजी रखी, ये भी बता रही हूँ, इट इज़ रियली ईजी, नॉट वेरी टफ। कितने सारे तुम्हें इसके अंदर क्लूज वगैरह साथ साथ ही दिए हैं, खाली तुम उस क्लूज को फॉलो करो, यू विल रीच टू द आंसर। ये इस तरह ही इस एनवेलप में तुम्हें मिलेगा, इसी तरह ये सील्ड एनवेलप है, इसी तरह तुम्हारे घर तक पहुँचना चाहिए। यहाँ पर किसी को भी नहीं खोलना इसे, इज दैट क्लियर? कि तुम यहीं पर डिस्कस करने बैठ गए और कल के कल मुझे पेपर जमा करा दिया, ये लो जी हो गया। दिस इज अ स्टडी, यू हैव टू टेक टाइम। हड़बड़ी मत करना कि हम 4 दिन में प्रभु को ना करके भेज दें, नहीं। जिसका फर्स्ट आया मैं समझ जाऊंगी कि इसे बहुत ही जल्दबाजी में काम किया है। इट इज नॉट अ वेल स्टडीड कोर्स एग्जामिनेशन पेपर, टेक योर टाइम। 50 दिन का समय दिया है मैंने, 50 डेज के अंदर तुम्हें इस पूरे पेपर को करना है। बुक के अंदर उसके सारे रेफरेंसेस हैं और उसी में से आपको इसे फिलअप करना है। सो द फर्स्ट पेज इज जस्ट ऑथेंटिकेशन एवरीथिंग, सेकेंड पेज पर इसके नियम हैं। पेपर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ऐसी पूरी एक बुकलेट है, इट इज, आप लोगे 16 पेज की किताब है ये, 16 पेजेस का पेपर है, स्टडी मटीरियल है तुम्हारा। सो फर्स्ट पार्ट जो है पेपर का वो 60 मार्क्स का है, और उसके अंदर गाथा 1 से 12 तक की स्टडीज चलेगी। सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट
उसके अंदर पूरी बुक के अंदर जो वचनामृत आए हैं कृपाणु देव के, उसमें से क्वेश्चंस हैं. और जो थर्ड पार्ट है वो 13-21 गाथा है, 40 मार्क्स का, नहीं आई थिंक थर्ड इज 50 मार्क्स का. उसके अंदर वापस 13-21 गाथाओं तक के क्वेश्चंस हैं. मोस्टली क्वेश्चंस उन गाथाओं, किस गाथा में से उसका आंसर है, वो गाथा नंबर भी लिखी है. अब बताओ इससे भी इजी क्या होगा. जैसे कोई क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे कि साधक के जीवन में साधना के दो प्रमुख स्तर कौन से हैं, ये क्वेश्चन दिया है, साइड में ही लिखा है कि इसका आंसर गाथा 2 के रेफरेंस से देना है. सो यू हैव टू बी श्योर कि इसका आंसर आप गाथा 10 के अकॉर्डिंगली नहीं दे सकते. ये एक तरह से क्ल्यू भी है और एक तरह से तुम्हें हम रिस्ट्रिक्ट भी कर रहे हैं कि तुम्हारा आंसर यही चाहिए हमें. पूरा पेपर, आई मस्ट टेल यू द एंटायर पेपर इज मेड बाय प्रिया गुप्ता प्रभु. थैंक यू प्रिया प्रभु. यस ऑफ कोर्स अंडर माय इंस्ट्रक्शन. तो तुम ये मत समझना कि अब क्या होगा पेपर. हम जब नकुचा ताल में साथ रह रहे थे तो आई असाइंड हर दिस सेवा. कितनी ही पेपर्स बनाए, 2-3 पेपर तो रिजेक्ट ही हुए, एंड फाइनली शी केम अप विद अ वंडरफुल पेपर विच इज जस्ट एज पर माई विजन 100%. पेपर का कोई भी क्वेश्चन तुम्हारी मेमोरी को टेस्ट करने के लिए नहीं है. जितने भी क्वेश्चन है छोटे छोटे करके, कम से कम इसमें 150 क्वेश्चन हैं, वो सारे क्वेश्चंस तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करने के लिए. दिस इज व्हाट शी हैज मेड. और मुझे यही चाहिए था. मेमोरी कितनी है ये हमें मतलब ही नहीं है कोई. तुम समझे क्या, हम वो समझना चाहते हैं. उसके बेसिस पर ये सारे क्वेश्चंस हैं. टोटल 15 क्वेश्चंस हैं, सबके सब क्वेश्चंस वगैरह मिला के आई थिंक मोर देन अराउंड 120 जितने क्वेश्चंस बनेंगे. 50 डेज के अंदर करके आपको इसे जमा कराना है. कहाँ कहाँ है, आई थिंक you can upload it on our website, you can send directly to our office, SRM office, और या फिर आप किसी प्रत्यक्ष समागम के अंदर properly paper को अंदर डाल के cover करके seal करके दे सकते हैं. ठीक है, paper downloadable भी है. तो अभी तो जितनों को मिल जाएगा मिल जाएगा, यहाँ पर अभी after the session you will be getting it, लेकिन नहीं मिलता तो you can download it from our website also. Is that okay? The biggest thing of any paper is the reward that it is giving you, isn't it? So paper hai, marks hai, to result bhi aayega, examiners bhi honge, sab kuch hoga. Lekin finally, Madhav, tumhari nazar to usi par hogi na, main first kaise aaun? Because he is always first come. Wo first, kya bolte hai, scholarships, ne, trophy takers hote hai. Avnish, tum bhi wohi ho. हमेशा फर्स्ट आए, गोल्ड मेडलिस्ट एंड पता नहीं कौन कौन से मेडल लिए हैं. तो इसके अंदर भी तुम्हें पारितोषिक लिखा इन्होंने, मैंने फिर ना इंग्लिश में लिख दिया स्पेशल रिवॉर्ड टू मेक इट इजी. तुम्हारा स्पेशल रिवॉर्ड क्या है? स्पेशल रिवॉर्ड, रियली इट इज अ स्पेशल रिवॉर्ड, बिकॉज द फर्स्ट 10 पीपल, जिनके फर्स्ट 10 हाईएस्ट मार्क्स वाले, दे विल बी स्पेंडिंग 4 डेज विद मी इन ईडर. न्यू ईयर पर जैसा हम हर बार जाते हैं 30, 31st, फर्स्ट एंड सेकेंड स्पेंडिंग अवर न्यू ईयर देयर. और अमेरिका वाले अगर बाय चांस तुम 10 में से आ गए तो तुम्हें आना होगा. अब ये तुम्हारी पनिशमेंट भी रहेगी, यू हैव टू कम टू बी विद मी इन अवर ईडर यात्रा. सो ट्राई इट फॉर यू, फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग. एक एक चीज को गहराई से समझना है. तुम्हारा कोई भी ज्ञान मुझे अब शैलो नहीं चाहिए, तोता पाट नहीं चाहिए. आई वॉन्ट अ डीपर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज. मैं आज सुबह ही बात कर रही थी, एक डीप नॉलेज होती है और एक शैलो नॉलेज होती है.
शैलो नॉलेज वो होती है जो तुम्हारे पास बहुत है और तुम दूसरों को सलाह के रूप में देते ही रहते हो. यू कीप ऑन टेलिंग अदर्स ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, हमने सत्संग में ऐसा सुना है, तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपेक्षाएं नहीं रखनी चाहिए. बट व्हेन इट कम्स टू यू, यू आर अनेबल टू अप्लाई इट. दिस इज शैलो नॉलेज. तो डीप नॉलेज वो होती है जो नॉलेज तुम दूसरों को भले कहो पर अपने ऊपर हमेशा लगा पाते हो. यू कैन यूज इट फॉर योर सेल्फ. और मुझे अपूर्व अवसर से भी तुम्हारी डीपर नॉलेज एंड डीपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए. सो रिसीव दिस पेपर्स विद फुल अहोभाव. अपने अपने बैग्स में जाके रख देना और घर पर जाकर इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करना. इट इज़ रियली ईजी. तुम सोचो ना, गाथा नंबर दे दिया है, अब क्या टफ होगा. सो चातुर्मास तो तुम्हारा इसी तरह संयम में, साधना में, आराधना में ही निकल जाएगा. यस, वी आर रेडी टू रिसीव दिस चातुर्मास. ब्यूटिफुली विल रिसीव. वैसे तो बहुत समय है हमारे पास, ये लॉन्च कल लेने वाले हैं हम, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आज आखिरी के 15 मिनट हम इस धुन के अंदर रहे, क्योंकि कल तो लॉन्च होगा. मतलब वो लक्षिता प्रभु 2 मिनट ही देंगी, चला लो चला लो, फिर चलो फिर अब नेक्स्ट, ऑब्वियसली, एंड शी हैज़ टू डू लाइक दैट ओनली. लेकिन आज मैं चाहती हूँ कि इस समागम में, इस माहौल में हम एक धुन सुनते हैं, अनादि निर्गुण की धुन हम आज सुनेंगे. और कल गुरु पूर्णिमा के दिन हम सहज आत्मा स्वरूप की धुन लॉन्च करेंगे. हो सकता है मन बने तो सुबह ही आपको तो सुना देंगे. सो यू आर द, वो क्या बोलते हैं इसको, कि प्री लॉन्च वाले लोग हैं आप. प्री लॉन्च के अंदर विल बी हैविंग देम. थोड़ी कमी करा दो लाइट, अच्छा लग रहा था मुझे तो लगा. सो थॉटफुल अवर टीम इज, कि यहाँ मंत्र धुन की बात की और उन्होंने लाइट्स भी डिम कर दी. अच्छा अच्छा, कुछ थोड़ी कम कर दो. बड़ी ही मेडिटेटिव धुन है ये. 10 शब्द तुम्हारे घर के माहौल को भी शुद्धिकरण में ले जाएंगे. तुम्हारे भीतर इन 10 शब्दों का बीज डलता जाएगा. कहीं भी कर्तापना आ जाए तो ये बार बार तुम्हें याद दिलाएगा कि आई एम अ कर्ता. कहीं भी लिप्त हो जाओ तो बार बार याद दिलाएगा मैं अलिप्त हूँ. कहीं भी तुम्हें अपने भीतर विषय कषाय दिखे और डिप्रेस हो रहे हो तुम, कि अरे अभी तक मैं बदल क्यों नहीं रहा, तो ये धुन तुम्हें याद दिलाएगा कि कोई बात नहीं, वो सब गंदगी मन में है, तुम तो शुद्ध बुद्धि हो. कहीं भी शक्ति की कमी पड़ रही हो तो ये धुन तुम्हें याद कराएगा, अरे तुम तो चैतन्य का घन हो, घन, यू आर सॉलिड एनर्जी, क्यों ऐसे ये रो रहे हो एनर्जी के लिए. सो ये 10 शब्द बस तुम्हारे भावों को, विचारों को एक नई दिशा देने के लिए. वी आर रेडी टू लिसन इट. अनादि निर्गुण अविनाशी अकर्ता मैं हूँ अलेप, शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन, स्वयं ज्योति सुख धाम. निर्गुण अविनाशी अकर्ता मैं हूँ अलेप, शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन, स्वयं ज्योति सुख धाम. अनादि निर्गुण अविनाशी अकर्ता
अनादि निर्गुण अविनाशी अकर्ता मैं हूँ अले शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुख धाम अविनाशी अकर्ता मैं हूँ अले शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुख धाम निर्गुण अविनाशी अकर्ता मैं हूँ अले शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुख धाम अनादि निर्गुण अविनाशी अकर्ता मैं हूँ अले शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुख धाम अविनाशी अकर्ता मैं हूँ अले शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुख धाम निर्गुण अविनाशी अकर्ता मैं हूँ अले शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुख धाम स्वयं
अविनाशी अकर्ता मैं हूँ अले शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुख धाम अनादि निर्गुण अविनाशी अकर्ता मैं हूँ अले शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुख निर्गुण अविनाशी अकर्ता मैं हूँ अले शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुख धाम निर्गुण अविनाशी अकर्ता मैं हूँ अले शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुख धाम अनादि निर्गुण अविनाशी अकर्ता मैं हूँ अले शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुख धाम अविनाशी अकर्ता मैं हूँ अले शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुख धाम निर्गुण अविनाशी अकर्ता मैं हूँ अले शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुख धाम स्वयं ज्योति सुख
अनादि निर्गुण अविनाशी अकर्ता मैं हूँ अले शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुख धाम अनादि निर्गुण अविनाशी अकर्ता मैं हूँ अले शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुख Thank you so much, Alicia. Thank you so much, Path Prabhu, also. The entire SRM Seva team, बस यही चाहती है कि किस तरह तुम्हारा आंतरिक विकास हो, किस तरह से तुम अपने शुभ भावों में अधिक से अधिक स्थिर रह सको, किस तरह तुम्हें आंतरिक आनंद सांसारिक आनंद से ज़्यादा गहरा महसूस होने लगे। अलग अलग आयोजन, चाहे 12 लॉन्चेस कल तक में हो जाएंगे, लेकिन हर आयोजन के पीछे प्रयोजन बस इतना ही है कि तुम इस मनुष्य जीवन को सफल करो, एक गुरु की मौजूदगी में अपने अंदर आकाश का अनुभव कर लो और जन्मों जन्म के इस परिभ्रमण को अब ख़त्म करो। आज बस इतना ही।